Hello everyone, myself Pramod Daka, Team Physics, CLC Seeker. So dear, last session में हमने हमारे JE Main का जो DTS था, DTS का जो JE Main का paper था, उसको discuss किया था, और इस वाले session में अपन JE Advanced का जो DTS का अपना paper है, उसको discuss करेंगे. चलिए जी सर, start करते हैं question number one से. One ये है कि two springs of spring constant K1, इस वाले में section A में 10 question है, section B में 10 question है, और section D में भी 10 question है. सेक्शन ए में जो क्वेश्चन है वो सिंगल चॉइस है, सेक्शन बी वाले मल्टीपल चॉइस है, सेक्शन डी वाले इंटीजर है. तो इस वाले क्वेश्चन से वन से अपन शुरू कर रहे हैं कि साहब दो स्प्रिंग है जिनके स्प्रिंग कांस्टेंट K1 इज इक्वल टू 1000 न्यूटन पर मीटर और K2 इज इक्वल टू 3000 न्यूटन पर मीटर आर अटैच्ड टू स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 100 ग्राम एट देयर नेचुरल लेंथ. कि इनिशियली ये दोनों स्प्रिंग्स जो है वो उनकी नेचुरल लेंथ में है और ये एक ब्लॉक के साथ अटैच्ड है. द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग आर नाउ अटैच्ड टू पॉइंट P1 एंड P2 ऑन द रिजिड वॉल्स. कि अब ये जो दोनों एंड है, इस वाले एंड को अपन यहां लेकर गए हैं और इस वाले एंड को यहां पर अपन ने कनेक्ट कर दिया कुछ इस टाइप से. तो सिचुएशन कुछ ऐसी मिलती है कि स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए ये ब्लॉक जो है वो SHM परफॉर्म करता है. तो एक तो इसके SHM का टाइम पीरियड अपने को कैलकुलेट करके बतलाना है. दूसरा कि जो नई इक्विलिब्रियम भाई इनिशियली क्या था कि जो दोनों स्प्रिंग्स थी, ये दोनों स्प्रिंग्स ना कोई एक्सपेंशन था ना कोई कंप्रेशन था, तो ब्लॉक इक्विलिब्रियम में था. हमें नई इक्विलिब्रियम पोजीशन के बारे में बात करनी है. तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पे. देखो डियर, सिचुएशन कुछ ऐसी है कि यहां मेरा ब्लॉक है. यदि मैं इधर वाली साइड में इस स्प्रिंग को और इधर वाली साइड में इस वाली स्प्रिंग के साथ इस स्प्रिंग को इस वॉल के साथ अटैच कर दूं, तो ऑब्वियसली पहले क्या था, देखो सिचुएशन में ये डिस्टेंस 20, ये 20 इनकी नेचुरल लेंथ है. यदि आप इसको यहां और इसको यहां अटैच करते हो ना, तो दोनों में टोटल मिलाकर जो टोटल एक्सपेंशन है दैट विल बी 20 सेंटीमीटर. और यदि ब्लॉक रेस्ट में है, मान लो इसमें एक्सपेंशन X1 और इसमें एक्सपेंशन X2 है, तो हमने कहा साहब ब्लॉक इक्विलिब्रियम के केस में तो नेट फोर्स जीरो होगा, मतलब K1 X1 इज इक्वल टू K2 X2. तो X1 / X2 जो अपने पास आ रहा है दैट वैल्यू इज कमिंग एज K2 / K1. K2 है 3000 और K1 है 1000, कुछ इस टाइप से गिवन है. सो दिस रेशियो इज 3:1. दूसरा X1 + X2 टोटल एक्सपेंशन इज 20 सेंटीमीटर. फ्रॉम हियर वी कैन से दैट X1 कम्स एज 15 सेंटीमीटर एंड X2 कम्स एज 5 सेंटीमीटर. X1 15 है और X2 अपना 5 सेंटीमीटर है. तो हमने कहा जी सर यहां से, मतलब अब ब्लॉक यदि यहां है तो ये डिस्टेंस जो है ये तो होगी 35 सेंटीमीटर, टोटल 60 होनी चाहिए और ये डिस्टेंस होगी 25 सेंटीमीटर. इस वाली स्प्रिंग में एक्सपेंशन है 15 सेंटीमीटर का और इस वाली स्प्रिंग में एक्सपेंशन है 5 सेंटीमीटर का. यदि इस वाले केस में ब्लॉक SHM करता है तो हमें पता है कि K इक्विवेलेंट की वैल्यू इस केस के लिए कितनी होती है, K1 + K2. तो टाइम पीरियड जो अपने पास निकल कर आएगा दैट विल बी 2π√M/K इक्विवेलेंट दैट इज K1 + K2. चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं, 2π द मास इज 100 ग्राम दैट इज 0.1 K1 + K2 दैट वैल्यू इज 400. ये नीचे आया तो 4000 अंडर रूट अपन लिया यदि इट इज 2π. साथ में डाटा जो अपने पास आ रहा है 1/2 तो साथ में बच गया. दिस वैल्यू इज 1/4. अच्छा ये 1000 + 3000 था ना, तो एक जीरो और आएगा, एक जीरो और आया तो 100 और आ गया. 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया. दिस वैल्यू कम्स एज 5/100. मतलब इसका जो टाइम पीरियड अपने पास आ रहा है दैट इज 2π√M/K1 + K2, वो वैल्यू निकल कर आ गई 5/100 सेकेंड. तो यदि अपन यहाँ पर ऑप्शंस की बात करें तो नई इक्विलिब्रियम पोजीशन P1 से 35 सेंटीमीटर पर और टाइम पीरियड π/100 सेकंड है. फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो अपना करेक्ट आंसर है. चलिए ठीक है, तो सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मतलब फ्लूइड का और थर्मल एक्सपेंशन का एक मिला जुला सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन में कुछ ऐसे पूछा गया, एक मॉडरेट से लेवल का क्वेश्चन, अपन मतलब नॉर्मल सा बोलेंगे, टिपिकल नहीं बोलेंगे इसको. फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो था वो थोड़ा ठीक था, सेकंड वाला जो है नॉर्मल सा क्वेश्चन है. वो बोल रहा है कि 3 इस इनमिसिबल लिक्विड्स हैं किसी कंटेनर में, इस टाइप से अपन ने इनको रखा है. द बेस एरिया ऑफ द कंटेनर, कंटेनर का बेस एरिया ए है और क्यूबिकल एक्सपेंशन कोफिशिएंट जो है कंटेनर का वो 3γ/2 है. और जो इसमें तीन लिक्विड, इसमें अपन ने तीन लिक्विड इस टाइप से फिल कर रखे हैं. इस वाले लिक्विड की हाइट L/3, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज गामा, दूसरे वाले के लिए 2γ और तीसरे वाले के लिए 3γ है. तो मेरे को यह बताना है कि यदि मैं इस कंटेनर का टेम्परेचर डेल्टा टी से इंक्रीज करता हूं तो कितना वॉल्यूम आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर जाएगा. तो मैंने कहा देखो ऐसा है, पहले वाला जो लिक्विड है उसके वॉल्यूम में एक्सपेंशन हुआ L/3A γ (Δt), दूसरे वाले लिक्विड के वॉल्यूम में एक्सपेंशन हुआ L/3 × a, साथ में 2γ × Δt,
और तीसरे वाले लिक्विड के वॉल्यूम में एक्सपेंशन हुआ एल बाई थ्री इंटू में ए साथ में थ्री गामा इंटू डेल्टा टी। हमसे यह पूछा गया कि कितना लिक्विड आउटफ्लो कर गया, तो मैंने कहा देखो ऐसा है, ये देख लेते हैं साहब कि टोटल लिक्विड का एक्सपेंशन कितना हुआ। तो ये टोटल एक्सपेंशन हुआ लिक्विड का, और कंटेनर की यदि मैं बात करूं तो कंटेनर का जो एक्सपेंशन हुआ वो हुआ एल ए साथ में थ्री गामा बाई टू इंटू में डेल्टा टी। ये अपने पास कंटेनर का एक्सपेंशन है और ये अपने पास लिक्विड का एक्सपेंशन है। तो हमने कहा साहब टोटल लिक्विड का जो एक्सपेंशन, मतलब लिक्विड का जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, दैट वैल्यू विल बी 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 बाई 3 दैट इज 2, सो इट इज 2 एल ए गामा डेल्टा टी। और कंटेनर का जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ दैट इज 3 एल ए गामा बाई 2 इंटू में डेल्टा टी। तो कितना ओवरफ्लो कर गया, ओवरफ्लो बोले तो सर लिक्विड में इतना एक्सपेंशन हुआ, कंटेनर में इतना हुआ, तो ओवरफ्लो जो अपने पास आया उसकी वैल्यू 10 माइनस 10, दैट वैल्यू इज एल ए गामा डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 2। तो इसके अकॉर्डिंग यदि अपन करेक्ट आंसर की बात करें तो ए एल गामा डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 2, फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी सर बात को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से समझना। क्वेश्चन में बोला गया दैट द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्पेस इज गिवन बाय आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस कोस 2 ओमेगा टी आई कैप प्लस 3 साइन स्क्वायर ओमेगा टी जे कैप प्लस 3 टी के कैप इन द ग्राउंड फ्रेम, ऑल द यूनिट्स आर इन एसआई, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना अपने को, पार्टिकल का पोजिशन वैक्टर ऐसे वेरी कर रहा है ना। तो पहला जो है ऑप्शन वो कह रहा है कि पार्टिकल ग्राउंड फ्रेम में ऐसे चम कर रहा है और इस पोजिशन के अबाउट कर रहा है ना। देखो यदि ग्राउंड पार्टिकल के एसएचएम को लेकर यदि अपन बात करें तो पार्टिकल एसएचएम जब करता है ना तो एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर आर के इक्वल होता है। यदि आप पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर लिखते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू 1 प्लस दैट डाटा इज 2 कॉस 2 ओमेगा टी आई कैप प्लस में 3 साइन स्क्वायर ओमेगा टी जे कैप प्लस 3 टी के कैप। यदि मैं इस इक्वेशन में सोचो, देखो ये जो इक्वेशन है ना 1 प्लस 2 कोस 2 ओमेगा टी, ये एसएचएम की इक्वेशन है। ये जो है 3 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये भी एसएचएम की इक्वेशन है। ये वाली जो है ना ये एसएचएम की इक्वेशन नहीं है। इसका मतलब पार्टिकल ग्राउंड फ्रेम में एसएचएम नहीं कर सकता। लेकिन यदि मैं ऐसा कहूं कि कोई एक ऐसा रेफरेंस फ्रेम है जिसका पोजीशन वेक्टर 3t के कैप है, तो पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर उस रेफरेंस फ्रेम में जो मेरे पास निकल कर आएगा ना, दैट इज 1 प्लस 2 cos 2 ओमेगा टी आई कैप प्लस 3 साइन स्क्वायर ओमेगा टी जे कैप आएगा। उस रेफरेंस फ्रेम में पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर ऐसा आएगा एंड वो एसएचएम की इक्वेशन है। मतलब पार्टिकल एक ऐसे रेफरेंस फ्रेम में एसएचएम करेगा, ऐसे रेफरेंस फ्रेम में एसएचएम करेगा जिसकी पोजीशन वेक्टर 3t के कैप है, या फिर वो बोले तो उसकी वेलोसिटी जो है मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूविंग रेफरेंस फ्रेम है 3 मीटर पर सेकंड अलोंग जेड एक्सिस, उसमें ये एसएचएम करेगा। बोले जी ठीक है। तो पहले तो यदि मैं बात करूं तो पहला वाला ऑप्शन ही गलत हो गया। तो आप दूसरे तीसरे चौथे की तरफ नहीं जाना चाहें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन फिर भी अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सेकंड वाला तो करेक्ट हो गया। थर्ड वाले में कह रहा है एम्पलीट्यूड जो है ना पार्टिकल के ओसिलेशन का वो 5/2 मीटर है। देखो यदि मैं यहां से बात करता हूं तो पार्टिकल एक्स एक्सिस के अबाउट जहां एसएचएम कर रहा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट मतलब मीन पोजीशन जो होगी वो 1 होगी, और वाई एक्सिस वाले की बात करूं, देखो अपन यहां से ये बोल सकते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट जो है पार्टिकल का वो वेरी कर रहा है 1 प्लस 2 cos 2 ओमेगा टी के अकॉर्डिंग। मतलब मेरा x माइनस 1 जो है वो 2 cos 2 ओमेगा टी है। बोलो सही। बोले जी ठीक है। अब पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट जो है, यदि यहां से मैं बात करूं तो x कोऑर्डिनेट की जो मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास आ रही है और x कोऑर्डिनेट की जो मिनिमम वैल्यू मेरे पास आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू तो मेरे पास आ रही है 3 और मिनिमम वैल्यू मेरे पास आ रही है माइनस 1, और पार्टिकल x इज इक्वल टू 1 के अबाउट ओसिलेशन कर रहा है। इस वाले केस में यदि मैं y कोऑर्डिनेट लिखना चाहूं, देखो y कोऑर्डिनेट वैसे तो 3 साइन स्क्वायर ओमेगा टी है ना, थोड़ा सा इसको सजा के लिखते हैं, तो इट कैन बी रिटन एज 3 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2, तो ये 3/2 लिखा गया। तो ये लिखा गया y माइनस 3/2 इज इक्वल टू माइनस 3/2 साथ में कोस 2 ओमेगा टी।
तो ये भी SHM की इक्वेशन है, बट ये SHM की इक्वेशन y इज इक्वल टू 3/2 के अबाउट है। तो पार्टिकल जो है इस केस में, यदि मैं मैक्सिमम y कोऑर्डिनेट की बात करता हूं ना, जब ये माइनस वन होगा, मतलब मैक्सिमम y कोऑर्डिनेट है पार्टिकल का 3, और मिनिमम y कोऑर्डिनेट की यदि बात करूं, जब ये माइनस वन प्लस वन, वन माइनस वन दैट इज जीरो, तो मिनिमम y कोऑर्डिनेट जो है वो जीरो है, और ये 3/2 के अबाउट SHM कर रहा है। तो SHM नए रेफरेंस फ्रेम में, नए रेफरेंस फ्रेम में पार्टिकल जो SHM कर रहा है ना, वो कर रहा है साहब किसके रेस्पेक्ट में, बोले जी 1, 3/2 के अबाउट SHM कर रहा है, बोला सेट है। तो यदि अपन यहां से बात करते हैं, तो पार्ट थर्ड वाले में एम्पलीट्यूड के बारे में बात की गई है, बोले सेट है सर। चलिए शुरू करते हैं थर्ड वाले में, कुछ पार्ट में रिमूव कर रहा हूं अब। मैंने यहां से इन दोनों इक्वेशंस को जरा घूर घूर के देखा, इस इक्वेशन को थोड़ा सा सजा के मैंने y 2y-3 इज इक्वल टू -3 cos 2 ωt लिख लिया। एक काम करते हैं, ये अपने पास एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन, ये दोनों को डिवाइड मार देते ना। जैसे ही दोनों को डिवाइड मारा, वैल्यू मेरे पास आ गई 2y-3 डिवाइडेड बाई x-1 इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 2। ये अपने पास इक्वेशन आ गई। अब देखो इस इक्वेशन को यदि आप ढंग से देखते हो ना, इसे थोड़ा सा सजा के लिखे, तो 4y-6 इज इक्वल टू -3x + 3, इसको इधर ले आओ, तो ये डाटा मेरे पास आया 4y इज इक्वल टू -3x + 9, बोलो सेट। अच्छा, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, मतलब नए रेफरेंस फ्रेम में, नए रेफरेंस फ्रेम में पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन के लोग ऐसे चम कर रहा होगा, और उस स्ट्रेट लाइन में यदि मैं x और y कोऑर्डिनेट को लेकर बात करता हूं, दिस इज द x एक्सिस एंड दिस वन इज द y एक्सिस, तो इसमें जैसे मैं x की जगह 0 पुट करता हूं, तो y कोऑर्डिनेट जो मेरे पास निकल कर आता, दैट इज 9/4, मतलब एक पॉइंट तो ये वाला आ गया 0, 9/4। यदि मैं y के प्लेस पर 0 पुट करता हूं, तो इट इज 3, 0, तो ये आ गया 3, 0। देखो x कोऑर्डिनेट की मैक्सिमम वैल्यू +3 और मिनिमम वैल्यू -1 है, तो जब मैं x कोऑर्डिनेट के प्लेस पर -1 पुट करूंगा ना, तो ये -1 रखते ही मेरे पास ये -3 + 6, तो y की वैल्यू जो है मेरे पास 3/2 आ गई, मतलब ये वाला पॉइंट -1, 3/2 है, ये वाला पॉइंट 3, 0 है, और पार्टिकल जो है मीन पोजीशन जो उसकी है वो 1, 3/2 है। अच्छा x कोऑर्डिनेट के बारे में यदि बात करें, तो y कोऑर्डिनेट, तो y जो है वो y कोऑर्डिनेट पार्टिकल का वो 0 से 3 के बीच वेरी कर सकता है, मतलब पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट जो है वो यहां से 0 से 3 के बीच वेरी कर सकता है, और x कोऑर्डिनेट की बात करें, तो x कोऑर्डिनेट जो है -1 से -3 के बीच वेरी कर सकता है। बोले जी ठीक है, चलिए एक दोबारा से ना ग्राफ को बना लेते हैं। रिक्वायरमेंट पड़े यदि 4y = -3x + 9, स्ट्रेट लाइन को एक दफा दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूं मैं ना, स्ट्रेट लाइन कुछ इस टाइप की आ रही है, ये वाला पॉइंट 3, 0, एक्स कोऑर्डिनेट 3 को एक्सीड नहीं करेगा, और वाई कोऑर्डिनेट 0 को इधर 0 इससे नीचे नहीं जाएगा, और एक्स कोऑर्डिनेट इधर -1 जाएगा, और वाई कोऑर्डिनेट उस पॉइंट पर -3/2 आ रहा है। बोलो सेट है, बोला जी ठीक है, और मीन पोजीशन जो है वो मेरी 1, 3/2 है। देखो मीन पोजीशन ये है, पार्टिकल इधर यहां तक जा सकता है और इधर यहां तक जा सकता है, तो बेटा ये जो डिस्टेंस हुई, ये डिस्टेंस उसके SHM का एम्पलीट्यूड हुआ, बोलो यस और नो, बोले हाँ। तो यदि ये SHM का एम्पलीट्यूड हुआ, तो इसकी वैल्यू यदि मुझे निकालनी हो, तो अपन कैसे निकालेंगे, दैट एम्पलीट्यूड इज अंडर रूट में, ये वाला डाटा मेरे पास आ गया 3-1 का स्क्वायर, दैट इज 2 का स्क्वायर 4, 3/2 का स्क्वायर, दैट वैल्यू इज 9/4। जैसे इसको मल्टीप्लाई किया, दिस वैल्यू 4 + 4 = 16, 16 + 9 = 25, 25/4 अंडर रूट में डाला, तो इसके SHM का एम्पलीट्यूड जो मेरे पास निकल कर आ रहा है वो 5/2 मीटर निकल कर आ गया। मतलब इस वाले केस में सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, फोर्थ वाले ऑप्शन में बात कर रहा है कि पार्टिकल के SHM की जो इक्वेशन लाइन जो है, जिस लाइन के अलोंग पार्टिकल SHM कर रहा है, उसके अलोंग वेक्टर जो है वो 4/5 i-cap - 3/5 j-cap है, 4/5 i-cap - 3/5 j-cap। अच्छा जी साहब, इसके पैरेलल बात कर रहा है, ठीक है। देखो यदि मैं यहां से बात करता हूं ना, तो y की वैल्यू जो मेरे पास निकल कर आती है वो -3/4 x + 9/4 निकल कर आती है, बोलो ठीक। अच्छा, इसका मतलब इसकी स्लोप -3/4 है, स्लोप यदि -3/4 है, मतलब ये वाला जो एंगल है, इस वाले एंगल को लेकर अपन ये बोल सकते हैं साहब कि ये वाला एंगल जो है
यहाँ टेन थीटा की वैल्यू 3/4 दैट मीन्स दिस एंगल इज, दिस वन इज 3, दिस वन इज 4, सो दिस एंगल इज 37 डिग्री. बोल क्या रहा है वो कि द लाइन ऑफ SHMO पार्टिकल इज पैरेलल टू ए वेक्टर 4/5 आई कैप और -3/5 जे कैप. मतलब एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है. यदि मैं इस एक वेक्टर की बात की गई अपने से, वो वेक्टर है 4/5 आई कैप माइनस में 3/5 जे कैप. बोलो ठीक है. चलिए थोड़ा सा एक दफा वापस से स्पेस बना लेना. 4/5 आई कैप माइनस में 3/5 जे कैप. यदि मैं इसके अकॉर्डिंग इस वाले वेक्टर से एंगल की बात करता हूं, सुनना जरा बात को, 4/5 और 3/5, दिस वन इज 4/5, दिस वन इज 3/5, तो ये वाला एंगल जो मेरे पास निकल कर आता है, ये वाला एंगल निकल कर आएगा साहब 37 डिग्री. ये लाइन इधर जा रही है, मतलब ये भी इधर कितने पर होगा, 37 डिग्री पर. ये वाली लाइन जो है ये भी 37 डिग्री पर, और वो वाली जो लाइन आ रही है वो भी यहां से कितने डिग्री पर आ रही है, 37 डिग्री पर आ रही है. इसका मतलब ये दोनों जो है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है. ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो भी इसका करेक्ट आंसर है. बोलो ठीक, मतलब इनकरेक्ट, उन्होंने इनकरेक्ट पूछा, तो फर्स्ट वन जो है वो आंसर हो गया, सेकंड थर्ड और फोर्थ आंसर में नहीं आएंगे. चलिए जी सर, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 4. तो सर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है कि दैट अ स्मॉल बॉडी विद रिलेटिव डेंसिटी d1 फॉल्स इन एयर फ्रॉम अ हाइट h ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी d2 वेयर d2 ग्रेटर देन d1. ओके, द टाइम इलेप्स्ड आफ्टर द एंटरिंग द लिक्विड टू द इंस्टेंट व्हेन इट कम्स टू रेस्ट इंस्टेंटेनियसली इनसाइड लिक्विड. देखिए क्वेश्चन एक्चुअली कुछ ऐसा है कि मेरे पास यहां पर एक लिक्विड कंटेनर है ना, और इस कंटेनर में जो लिक्विड फिल्ड है उस लिक्विड की डेंसिटी है d2, और यहां पर एक बॉल जिसकी डेंसिटी d1 है वो h हाइट से फॉल करती हुई और इस लिक्विड में एंटर कर रही है. h हाइट से फॉल करती हुई इस लिक्विड में एंटर कर रही है, और इस लिक्विड में एंटर करते टाइम उसकी वेलोसिटी जो है ना वो √2gh है. ऑब्वियसली h हाइट से फॉल करेगी तो वेलोसिटी यही होगी. वो कह रहा है कि बॉडी में यदि मैं फोर्स की बात करूं तो अपन एक तो इधर फोर्स लगेंगे mg और एक इधर फोर्स लेंगे fb. तो हम ये कह रहे हैं कि साहब बॉडी मोमेंटरली रेस्ट में जब आएगी ना उस टाइम की वैल्यू बतलानी है कि कब रेस्ट में आएगी. तो अपन बॉल के साइज को वैसे ही बहुत छोटा लेकर चल रहे हैं, तो जो इसका रिटार्डिंग फोर्स है, नेट रिटार्डिंग फोर्स, उसको कॉन्स्टेंट लेकर चलेंगे. तो उस रिटार्डिंग फोर्स की वजह से जो रिटार्डेशन आ रहा है नेट बॉडी पर अपवर्ड डायरेक्शन में, बायोंट फोर्स दैट इज वी d2 इनटू में जी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg दैट इज v d1 अपॉन g डिवाइडेड बाय मास दैट इज v d1. तो इसका रिटार्डेशन जो मेरे पास आ रहा है ना वो आ रहा है d2 माइनस d1 इनटू में g डिवाइडेड बाय d1. इनिशियल वेलोसिटी √2gh है, रिटार्डेशन कांस्टेंट है, तो रेस्ट में लेकर आना है तो √2gh माइनस में रिटार्डेशन दैट इज d2 माइनस d1 इनटू में g डिवाइडेड बाय d1 इनटू में टाइम t. टाइम t चाहिए तो टाइम टी की वैल्यू जो मेरे पास आ रही है दैट इज √2h/g साथ में d1 अपॉन d2 माइनस d1. इतने टाइम के बाद बॉडी जो है वो मोमेंटरली किस में रहेगी, रेस्ट में रहेगी. तो अपन यदि यहां से करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर जो डियर सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर. चलिए सर आगे बढ़ाएं बात को, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. देखिए पैराग्राफ 1 जो है इसके बेसिस पर अपने को क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करना है. Answer the questions 5, 6 and 7 by appropriate matching the information in the 3 columns in the following table. आगे एक टेबल दी गई है अपने को ना, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है और इसके बेसिस पर मेरे को कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं. तो सबसे पहले तो इसमें क्या है, देखिए मैं इस बात को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये एक YDSC सेटअप था, पहले नॉर्मल वे में हो रहा था, तो मैंने उसमें कुछ चेंजेस अप्लाई किए. जैसे पहले तो मैंने यहाँ पर एक स्लैब लगा दी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और थिकनेस अपने को गिवन है. दूसरे केस में अपन ने 2 स्लैब लगा दी, तीसरे केस में अपन ने नीचे यहाँ वोटर ले लिया, और फोर्थ वाले केस में इसको थोड़ा सा वर्टिकल से इंक्लाइंड कर दिया. ये 4 अपन ने YDSC में मॉडरेशन अप्लाई किए. अब इसके बाद ये मिला कि ये जो पॉइंट ओ है इस पर इन दोनों की जो इंटेंसिटी, इसकी इंटेंसिटी आई है, इसकी इंटेंसिटी आई है, तो सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी ऑब्वियसली 4 आई होगी. तो जब अपन ने मॉडिफिकेशन किए YDSC में तो उसके बाद उस सेंट्रल पॉइंट पर इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी. और जैसे पहले क्या था, पहले यहां पर अपने को सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिल रही थी, अब यहां पर कौन सी फ्रिंज मिलेगी या फिर कितनी फ्रिंजेस, नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी इस वाले पॉइंट से क्रॉस करके चलेगी, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर मेरे को बतलाना है. मतलब ये जो चित्र है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर को बतला रहा है. तो देखो इन कॉलम्स में यदि मैं बात करूं,
सबसे पहले वाले में मॉडिफिकेशन है, दूसरे वाले में इंटेंसिटी है, और तीसरे वाले में नंबर ऑफ फ्रिंजेस अपने को गिवन है। बोलो सेट है। तो सर अपन एक काम करते हैं, चारों को वन बाई वन सोल्व कर लेते हैं, फिर बात को आगे बढ़ा लेते हैं, खत्म। देखो सबसे पहले तो इस वाले में यदि मैं बात करूं, तो इस वाले में डेल्टा एक्स की वैल्यू जो आएगी फर्स्ट वाले पार्ट में, डेल्टा एक्स जो मेरे पास आएगा वो म्यू माइनस वन इंटू टी आएगा। डेल्टा एक्स की वैल्यू म्यू माइनस वन इंटू टी आ गई, और नंबर ऑफ फ्रिंजेस की बात करता हूं तो डेल्टा एक्स की वैल्यू एन लेमडा के इक्वल होगी। भाई जितनी फ्रिंजेस शिफ्ट होंगी उसको अपन एन लेमडा से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से पहले वाले केस में यदि एन की वैल्यू सोल्व करूं, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर बतलाना है। म्यू माइनस वन, म्यू की वैल्यू है 52 डिवाइड बाई 33, माइनस में वन किया तो ये वाला डाटा आया 19 बाई 33, इनटू में थिकनेस टी की वैल्यू जो है वो 11 बाई 2 लैम्डा दे रखी है, और डिवाइड बाई 1 बाई लैम्डा और आ गया, तो 1 बाई लैम्डा से 1 बाई लैम्डा तो कैंसिल आउट हो गया। ये वाला डाटा है ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, दिस डाटा कम्स एज 19 डिवाइडेड बाई 6। अब देखो डियर, यदि आप 19 डिवाइडेड बाई 6 की बात करते हो तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जब निकालोगे तो 3 पॉइंट कुछ डाटा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आ जाएगा। इसका मतलब इसके साथ जो ऑप्शन मैच कर रहा होगा, एक तो क्यू वाला ऑप्शन मैच कर रहा होगा। इंटेंसिटी को लेकर बात करते हैं चारों कॉलम्स में, तो इसकी इंटेंसिटी जो होगी वो 4i cos स्क्वायर 5/2 होगी। 5/2 को अपन लिख सकते हैं 2π / लैम्डा * में डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स की वैल्यू 19 लैम्डा / 6 डिवाइडेड / 2। रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो आती है यदि दोनों की इंटेंसिटी सेम होती है तो 4i cos स्क्वायर 5/2, 5 इज द फेज डिफरेंस, और 5 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं 2π / लैम्डा * डेल्टा एक्स से। अच्छा जी, यहां से लैम्डा गया, 2 से 2 गया, दिस वैल्यू कम्स एज 19 pi by 6, so that can be written as 4i, साथ में cos square, 19 pi by 6 जो है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 pi plus pi by 6, और cos 3 pi plus pi by 6 minus cos pi by 6, minus तो square है तो plus हो जाएगा, और cos pi by 6 जो होता है वो 1/2, sorry, cos pi by 6 जो होता है वो root 3/2 होता है, तो square किया तो 3/4 आ गया, तो 4i into में ये वाला डाटा साथ में 3/4, ये cancel out हो गया, तो resultant intensity इस वाले point पर जो निकल कर आ रही है, that intensity is 3i, मतलब इसके साथ जो और ऑप्शन मैच कर रहा होगा दैट इज द थर्ड ऑप्शन। बोलो सेट है। अच्छा जी साहब, चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को डियर। सेकंड वाले पार्ट की यदि मैं बात करूं तो सेकंड वाले पार्ट में दो अपन ने लगा दिए, एक ऊपर वाले पे स्लैब लगाया, एक नीचे वाले पे स्लैब लगाया, तो रिजल्टेंट पाथ डिफरेंस जो होगा डेल्टा एक्स दैट इज म्यू वन माइनस वन इंटू में टी वन, मतलब में अपन इसको कुछ ऐसे लिखेंगे कि 1.2 माइनस में 1 इंटू में 15 लैम्डा प्लस में 1.5 माइनस 1 इंटू में 12 लैम्डा, नॉट प्लस, दिस विल बी द माइनस साइन, क्योंकि दोनों की वजह से पाथ डिफरेंस, इसका कितना एक्स्ट्रा, तो डिफरेंस ले लिया, तो ये वाला डाटा तो मेरे पास आ रहा है 0.2 इंटू 15 लैम्डा दैट इज 0.2 इज 1/5, तो दिस वैल्यू इज 3 लैम्डा, माइनस में ये वाला डाटा 1.5 माइनस में दैट इज 0.5 माइनस में 12 लैम्डा दैट इज 6 लैम्डा, मतलब पाथ डिफरेंस जो है वो माइनस 3 लैम्डा के इक्वल आ रहा है, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो शिफ्ट हुई एन लैम्डा के इक्वल पुट किया तो 3 आ गई। वैसे भी मोड लेना होता है इस केस में, तो एक तो इसके साथ जो ऑप्शन मैच करेगा मेरा वो क्यू वाला ऑप्शन मैच कर जाएगा, फिर उसके साथ इंटेंसिटी की यदि मैं बात करूं तो 3 लैम्डा के केस में डेल्टा एक्स इतना, तो डेल्टा फाई की वैल्यू जो है वो 2π / लैम्डा * में डेल्टा एक्स दैट इज 3 लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा गया, ये वाला पाथ डिफरेंस जो है वो 6π के इक्वल आ गया। जैसे 6π के इक्वल आया तो 5/2 कितना आया, 5/2 आ गया मेरे पास 3π, क्लियर। cos 3π की वैल्यू जो होती है वो माइनस वन होती है ना, पाई वन होता है 3π, 0 1, 2π 1, 4π 1, और जो ओड वाले होते हैं पाई 3π 5π 6 7π 9π, ये माइनस वन होते हैं। तो जैसे माइनस वन के रिगार्डिंग बात करेंगे तो माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा, मतलब ये वाली वैल्यू फिर से अपने पास 4i की इक्विवेलेंट आ जाएगी, तो इस वाले में जो ऑप्शन अपने पास मैच करेगा दैट इज द फोर्थ ऑप्शन, क्लियर। तो अब अपन इसके थर्ड वाले ऑप्शन की बात करते हैं। देखो थर्ड वाले ऑप्शन में क्या है, अपन ने यहां नीचे वाटर फिल कर दिया, तो एक रे जो है ना वो तो यहां से आ रही है और एक रे जो है वो इधर वाले से आ रही है, तो अप्रोक्सीमेटेड इसकी जो ट्रेवल्ड लेंथ होगी वो ये होगी। अब वो दूसरे मीडियम में ट्रेवल करके आ रही है तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ डिफरेंट होगी, दैट विल बी म्यू माइनस वन इंटू में जितनी लेंथ चला है, और इस लेंथ को अप्रोक्सीमेटली मैं कैपिटल डी कह देता हूं क्योंकि जो मेरे को डाटा गिवन है ना उनके बेसिस पर मैं ऐसा बोल सकता हूं। तो इस वाले केस में जो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आ रहा है वो म्यू माइनस वन इंटू में डियर कैपिटल डी निकल कर आ रहा है। अब उस पाथ डिफरेंस के बेसिस पर यदि मैं बात करूं कैपिटल डी की, तो कैपिटल डी की वैल्यू जो मेरे को क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 10^7 लैम्डा, तो जैसे ही अपन इसको यहां पुट करेंगे म्यू, म्यू कितना गिवन है 4/3 माइनस में 1
into capital D, that is 10 raised to the power 7 lambda. तो ये वाला डाटा मेरे पास निकल कर आ रहा है 1 by 3 into 10 raised to the power 7 lambda. और इसको यदि मैं n lambda के equal put करके उसका greatest integer लेऊंगा ना, तो ये s वाला option इसके साथ match कर जाएगा. एक तो इसके साथ s वाला option match कर गया. उसके बाद यदि मैं इसमें intensity को लेकर बात करूं, तो phase difference जो अपन calculate करेंगे, वो calculate करेंगे 2 pi by lambda into में delta x के साथ. 2 pi by lambda into delta x के साथ calculate करेंगे, तो वो वाला data मेरे पास आएगा 2 pi by 3 into में 10 raised to the power 7. ये 10 raised to the power 7 by 3 power है. ये data निकल कर आ गया dear, है ना. 2 pi by 3 into में 10 raised to the power 7. यदि मैं इसको adjust करना चाहूँ, तो ये वाला data जो है, वो अपने को पता है कि साहब ये pi by 3 के corresponding, मतलब यदि अपन वैल्यू इसकी कैलकुलेट करेंगे, इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू किसी भी पॉइंट पर, दैट इज 4i साथ में cos स्क्वायर 5 बाय 2. तो आप वैल्यू पुट करके सोल्व करेंगे, तो वो पाई बाय 3 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू देगा. पाई बाय 3 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो होती है 1 बाई 2 का स्क्वायर, दैट इज 1 बाई 4. तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी आएगी 4i इंटू में 1 बाई 4, दैट इंटेंसिटी इज आई. तो इसके करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी वाला जो ऑप्शन इसके साथ मैच करेगा, दैट इज द सेकंड वन. बोलो ठीक. चलिए जी सर, अब इसके फोर्थ वाले ऑप्शन को लेकर अपन बात कर लें. देखो डियर, फोर्थ वाले ऑप्शन में क्या है कि यहाँ पर अपने पास ये कुछ स्क्रीन है, इसको अपन ने थीटा एंगल से टिल्ट कर दिया. जैसे ही थीटा एंगल से टिल्ट किया, तो इस वाले पॉइंट पर जो रेज, एक रेज यहाँ से आ रही है और एक रेज यहाँ से आ रही है, उन दोनों के बीच पाथ डिफरेंस जो होगा, दैट विल बी ऑब्वियसली डी साइन थीटा. तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू जो मेरे पास आ रही है, वो वाली वैल्यू निकल कर आ रही है डी साइन थीटा. थीटा जो है वो 1 मिनट है, मतलब 1/60 डिग्री है, तो रेडियन में 1/60 इंटू पाई बाई 180 होगा. अच्छा, यदि मैं स्मॉल डी की वैल्यू की बात करूँ, तो स्मॉल डी की वैल्यू जो मेरे पास है, वो गिवन है 8.82 डिवाइडेड बाय पाई इनटू में 10 रेज टू द पावर 4 लैम्डा स्मॉल डी. और इस थीटा की वैल्यू, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा, दैट इज 1/60 इनटू में पाई बाय 180. यहां से अपन इसके करस्पोंडिंग डेल्टा एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं. उस डेल्टा एक्स को एन लैम्डा के इक्वल पुट करेंगे, और वहां से अपन फाई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. तो डेल्टा फाई जो आएगा, फेज डिफरेंस, दैट इज 2 पाई बाय लैम्डा इनटू में डेल्टा एक्स. और उसके करस्पोंडिंग यदि मैं इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहूं रिजल्टेंट, तो दैट वैल्यू विल बी 4i साथ में cos स्क्वायर 5 बाय 2. तो इसके करस्पोंडिंग यदि मैं पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करूंगा ना, तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू तो आएगी 49 लैम्डा डिवाइडेड, मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू तो 49 लैम्डा बाय 6 आएगी. वहां से अपन n लैम्डा के इक्वल पुट करके n कैलकुलेट कर सकते हैं. और ये वाला डाटा यदि मैं यहां पुट करूंगा, 49 लैम्डा डिवाइडेड बाय 6, तो ये वाला वैल्यू जो मेरे पास आई है 49 पाई डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा. तो इसके करस्पॉन्डिंग यदि अपन इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे ना, तो उसकी इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो मेरे पास 3i आ जाएगी. मतलब इसके साथ जो ऑप्शन मैच करेगा, एक तो जो ऑप्शन इसका मैच कर रहा है 49 लैम्डा डिवाइड बाय 6, दैट इज 8 पॉइंट समथिंग, तो एक तो r वाला ऑप्शन मैच कर जाएगा, और एक इसके साथ मेरा थर्ड वाला ऑप्शन मैच कर जाएगा. बोलो क्लियर है क्या सर? तो इसके बेसिस पर मैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर्स दे सकते हैं. बोलो क्लियर. तो 5 का जो आंसर आएगा, दैट इज द थर्ड वन, 6 का आंसर आएगा सेकंड वन, और 7th का आंसर आएगा फोर्थ वन. बोलो ठीक है क्या बेटा? वही चीजें पूछी है, उनको मैच करवाना है. आगे बात करते हैं. तो आगे एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 2, उसके बेसिस पर अपने को क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देना है. ठीक है, चलिए जी सर. बोला क्या जा रहा है इसमें कि वो कह रहा है कि लार्ज टैंक ऑफ क्रॉस सेक्शन ए कंटेंस लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, ए सिलेंडर ऑफ डेंसिटी रो बाई 4 एंड लेंथ एल, क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए इज केप्ट इन इक्विलिब्रियम बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स ऑन इट्स ओन. मतलब ये रो बाई 4 डेंसिटी एल लेंथ का एक ब्लॉक है, जिसको रो डेंसिटी के लिक्विड में अपन ने रखा है, और ऊपर से एक फोर्स लगाकर इसको इसके अंदर रोक रखा है. देखो ऑब्वियसली लिक्विड की डेंसिटी की बात करें, तो लिक्विड की डेंसिटी ब्लॉक की डेंसिटी से ज्यादा है. लिक्विड की डेंसिटी ब्लॉक की डेंसिटी से ज्यादा है, मतलब बिल्कुल है. अब लिक्विड की डेंसिटी यदि ब्लॉक की डेंसिटी से ज्यादा है, तो आप छोड़ोगे तो वो फ्लोट करेगा, पर आपने क्या एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसको सबमर्ज कर रखा है. और जैसे ही अपन इसको छोड़ देते हैं, t = 0 पे एक्सटर्नल फोर्स हटाया, तो f भी mb से ज्यादा है, तो ब्लॉक का मूवमेंट जो होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ब्लॉक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा. और इसके बेसिस पर कुछ चीजों के आंसर देने हैं. तो वो कह रहा है कि जैसे ही आपने इसको छोड़ा, छोड़ने के ठीक बाद इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, मेरी बात को समझना जरा. शुरू में इस पर एक तो इधर mg लग रहा होगा, तो इसके mg की जो वैल्यू होगी, दैट विल बी वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी इनटू में g. और इस पर f भी जो लग रहा होगा, वॉल्यूम इनटू लिक्विड की डेंसिटी इनटू में g. देखो यदि मैं यहां से इसको बहुत तरीके से लिखना चाहूं, तो मैं इस डाटा को, यदि मैं इस डाटा को mg लिखता हूं, तो इस वाले डाटा को मैं क्या लिखूंगा, 4mg.
अपवर्ड वाला फोर्स 4mg है, डाउनवर्ड वाला फोर्स mg है, तो रिजल्टेंट फोर्स जो ब्लॉक पर लग रहा होगा वो 3mg के इक्वल होगा। रिजल्टेंट फोर्स 3mg के इक्वल है, तो इसका जो रिजल्टेंट अपवर्ड एक्सीलरेशन है वो 3g के इक्वल होगा। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज द थर्ड वन। चलिए आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। वो कह रहा है कि बेलन जब द स्पीड ऑफ द सिलेंडर व्हेन इट रीचेस इक्विलिब्रियम पोजीशन, जब वो इक्विलिब्रियम पर आता है। देखो एक्चुअली में इस सिचुएशन में ये जो सिलेंडर है ये SHM करता है, तो अपन एक काम करते हैं पहले इसके SHM की एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है ना वो कैलकुलेट कर लेते हैं, तो अगले दोनों क्वेश्चन अपने बहुत इजीली हो जाएंगे। शुरू में ऐसा होगा कि जब ये इक्विलिब्रियम में होगा ना तो ये L by 4 लेंथ यहां होगी, क्योंकि इसका V by 4 वॉल्यूम जो है ना, पर डेंसिटी के बेसिस पर बात करें तो V in by V जो होता है वो रो बॉडी डिवाइडेड बाय रो मटेरियल होता है, तो वो 1 by 4 आता है, तो 1 by 4 लेंथ जो है वो इक्विलिब्रियम में ऐसे। जैसे ही आप इसको x डिस्टेंस से एक्स्ट्रा कंप्रेस करते हो, तो जैसे ही एक्स्ट्रा कंप्रेस किया इस पर एक्स्ट्रा फोर्स की वैल्यू जो है दैट इज a into x into rho into g। बोलो सही है? देखो माइनस क्यों लिया, क्योंकि बॉडी को अपन डिस्प्लेस कर रहे हैं नीचे की तरफ और एक्स्ट्रा फोर्स लिक्विड में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो एक्स्ट्रा फोर्स अपवर्ड लगेगा, तो एक्स्ट्रा फोर्स ये आ गया। और इसको यदि मैं ma के इक्वल पुट करता हूं, मास है एरिया इंटू लेंथ इंटू बॉडी की डेंसिटी इंटू में एक्सीलरेशन ए, तो यहां से यदि मैं बात करूं तो एरिया इंटू डेंसिटी, एरिया इंटू डेंसिटी, ये तो कैंसिल आउट हो गया। बॉडी का जो एक्सीलरेशन मेरे पास निकल कर आ रहा है ना वो माइनस 4g बाई एल इंटू में एक्स निकल कर आ रहा है। बॉडी SHM करती है तो यहां से उसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी जो है वो अंडर रूट 4g बाई एल आ रही है, मतलब एंगुलर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू 2√g बाई एल आ रही है। अब सोचना शुरू में बॉडी जो है वो यहां है और बाद में वो जंप करती करती मतलब बाहर निकलते निकलते यहां तक पहुंच रही है, मतलब बाहर कितनी गई है 3L by 4, तो इसका एम्पलीट्यूड जो हुआ SHM का वो 3L by 4 हो गया। और अपने से स्पीड पूछी गई है जब ये यहां से यहां पहुंच जाए, तो पहले एक्सट्रीम पर था बाद में मीन पर पहुंचा, एक्सट्रीम से मीन पर पहुंचने पर बॉडी की जो वेलोसिटी होती है वो ओमेगा इंटू ए से गिवन होती है, तो इसका ओमेगा जो है वो तो रूट 2g बाई एल है और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो मेरे पास 3L by 4 है, तो यहां से कैंसिल आउट किया तो ये 2 times कैंसिल आउट हुआ, तो ये जो वेलोसिटी मेरे पास जो निकल कर आ रही है ना दैट वेलोसिटी इज 3/2 साथ में रूट gl। तो यदि मैं यहां से करेक्ट आंसर की बात करता हूं तो इस वाले क्वेश्चन का 9 का करेक्ट आंसर हो गया सेकंड। चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि यहां से यहां पहुंचने में उसको टाइम कितना लगा, तो अपने को पता है साहब जो टाइम लगता है वो कैपिटल T/4 लगता है, टाइम जो लगता है वो T/4 लगता है, और T/4 कैपिटल T होता है 2π/ω, तो साथ में 2π/ω इंटू में 4 मतलब वैल्यू आ गई π/2 इंटू में ओमेगा, और ओमेगा जो मेरे पास है वो 2√gl है, तो मतलब इसमें जो टाइम बॉडी को लग रहा होगा ना मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंचने में दैट वैल्यू इज π/4 साथ में अंडर रूट में L/g। तो यहां से जो अपना आंसर करेक्ट आ रहा है दैट थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। बोलो ठीक? चलिए जी सर, तो ये जो था डियर इसमें अपने सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन जो सिंगल चॉइस थे वो कंप्लीट हो गए। शुरू के 4 क्वेश्चन सिंगल चॉइस के थे, फिर 3-3 2 पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस थे। अगले वाला जो है ये मल्टीपल चॉइस सेक्शन है अपना, इस मल्टीपल चॉइस सेक्शन में 10 क्वेश्चंस हैं। पहला वाला क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स का बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है डियर, तो अपन इस वाले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए इसमें बोला क्या गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि ग्लास सिलेंड्रिकल वेसल विद वेस कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज फिल्ड विद 2 इमिसिबल लिक्विड्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 एंड 1.4। मतलब यहां पर मेरे पास एक कॉन्वेक्स सरफेस है, कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, बेस पर एक कॉनकेव मिरर जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, यहां पर एक लिक्विड फिल किया गया है जिसकी थिकनेस 15 सेंटीमीटर, और यहां पर एक दूसरा लिक्विड फिल किया गया जिसकी थिकनेस 14 सेंटीमीटर है। यहां पर एक होल है और इस होल से लिक्विड इस टाइप से निकल रहा है कि इसकी ये जो सरफेस है ये 1 cm/s से फोल कर रही है, ये 1 cm/s से फोल कर रही है। बोले जी ठीक है, यहां पर एक फिश है और फिश की जो वेलोसिटी है वो अपवर्ड डायरेक्शन में 1 cm/s है, फिश की जो वेलोसिटी है वो अपवर्ड डायरेक्शन में 1 cm/s है, और फिश की प्रेजेंटली इसके जो हाइट है वो 10 cm के इक्वल है, ये हाइट 10 cm है, फोकल लेंथ 20 cm है। तो मैं मिरर के लिए यदि सबसे पहले फिश के लिए सोल्व करता हूं तो 1/v + 1/u = 1/f, दैट वैल्यू कम्स एज 1/v साथ में -1/10 = -1/20, दिस वैल्यू कम्स एज 1/v = -1/20 + 1/10,
1/10, 2/20 - 1/20 बच गया, तो v की वैल्यू जो इस केस में सोल्व करने पर आई वो +20 cm आ गई, जस्ट डबल है। इसका मतलब फिश जो है वो +20 और अपोजिट वेलोसिटी आती है ना, फिश की वेलोसिटी अपोजिट आती है, तो इधर वाली डायरेक्शन में फिश की वेलोसिटी जो है वो 4 cm/s निकल कर आई, मतलब फिश की इमेज की। अब यदि फिश खुद की इमेज को देखता है तो उसको रिलेटिव वेलोसिटी कितनी नजर आई, 5। तो इसके अकॉर्डिंग जो थर्ड वाला जो ऑप्शन है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ फिश सीन बाय इटसेल्फ इज 5 cm/s अलोंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, वो करेक्ट आंसर हो गया। यदि मैं अब आगे देखूं कि एक बर्ड जो ऊपर की तरफ है, उस बर्ड की इधर वाली वेलोसिटी जो है वो 2 cm/s है ना, ये दे रखा है बर्ड की जो इधर वाली वेलोसिटी है 2 cm/s है, तो बर्ड की इसके फ्रेम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी होगी कितनी, 1 cm/s, और इसकी वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में होगी कितनी, भाई ये 4 है ये 1 है, तो इसकी वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में दैट इज 3 cm/s। बोलो सेट है, बोला जी ठीक है। अब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की कुछ बात कर ली जाए, तो जो बीच वाला ये वाला जो मटेरियल है इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अपने को जो दिया गया है, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अपने को दिया गया है इस वाले का 1.5। तो उसके बेसिस पर यदि मैं रिलेटिव वेलोसिटी की बात करूंगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी ये देखो फिश की बर्ड की रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में, इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, ढंग से समझना, क्योंकि वो रिलेटिव वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन करेगा, वो इसके रेस्पेक्ट में डिफाइन करेगा, ये जो इंटरफेस है इसके रेस्पेक्ट में। इंटरफेस 1 से जा रहा है तो बर्ड 2 से, तो ये 1 से, तो बर्ड की रिलेटिव वेलोसिटी 1, ये 4 से फिश की इमेज, और ये 1 से, तो फिश की रिलेटिव वेलोसिटी फिश की इमेज की 3। तो रिलेटिव जब अपन कैलकुलेट करते हैं तो क्या करते हैं, म्यू ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय म्यू ऑब्जेक्ट इनटू में डी एक्चुअल, मतलब सरफेस के रेस्पेक्ट में, दैट इज 3। ये डाटा मेरे पास आया 2 cm/s, मतलब सुनना बात को, बर्ड को फिश की इमेज नीचे 2 cm/s से रिलेटिव में नजर आ रही है, मतलब वो कहेगा कि इस रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में फिश नीचे की ओर, फिश की इमेज नीचे की ओर 2 cm/s से जा रही है, इस रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में फिश की इमेज नीचे की ओर 2 cm/s से जा रही है, और मैं रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में 1 cm/s से नीचे जा रहा हूं, तो इमेज, फिश की इमेज मेरे रेस्पेक्ट में 1 cm/s से किधर जा रही है, डाउनवर्ड मूव कर रही है। तो इसके अकॉर्डिंग यदि मैं करेक्ट आंसर की बात करता हूं डियर, तो इसमें, इस क्वेश्चन में 2 और 3 जो है वो करेक्ट आंसर अपने पास आते हैं। बोलो ठीक। चलिए जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो 2 में क्या कह रहा है कि ये एक स्मॉल सॉलिड बॉल है जिसकी डेंसिटी रो है, और इसको 4 रो डेंसिटी के मटेरियल में अपन ने रखा है। अच्छा जी, और वो कह रहा है कि ये जो कंटेनर है ना, वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन ए से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट शुरू करता है, और ये जो बॉल है वो बॉल साइमल्टेनियसली यहां से छोड़ जाती है, और मैं ये चाहता हूं कि ये बॉल जो है वो इस वाले पॉइंट पर डायरेक्टली हिट करे। ये जो बॉल है वो डायरेक्टली कौन से वाले पॉइंट पर हिट करे, ये बॉल डायरेक्टली क्यू वाले पॉइंट पर हिट करे। तो क्यू वाले पॉइंट पर हिट करने के लिए एक तो इसका जो हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, और ये बॉल जो है वो कितने टाइम में उस पॉइंट पर हिट करेगी, मुझे उसकी वैल्यू बतलानी है। बोलो ठीक है। तो डियर यदि अपन इसका FBD बना ले ना बॉल का, और उस पर फोर्सेस की बात करें, जैसे यहां बॉल है, इस पर एक MG इधर लगेगा, एक FB इधर लगेगा, और एक इस पर इस डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगेगा, वो MA के इक्वल होगा। बोलो सही। बोले जी ठीक है। अब सुनना मेरी बात को, FB जो है लिक्विड की जो डेंसिटी दे रखी है ना, वो बॉल की डेंसिटी की जस्ट 4 times दे रखी है, तो FB की वैल्यू जो मैं बात करूं, तो FB के बारे में मैं लिख सकता हूं कि ये 4 mg है, इधर वाला mg है, इसका मतलब ये वाला कितना है, बोले जी सर ये 3g है। ये वाला जो एक्सीलरेशन, मतलब इस डायरेक्शन में, सॉरी, नेट फोर्स जो अपने पास आ रहा है वो 3 mg आया, तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन जो आ रहा है बॉडी पर, वर्टिकल डायरेक्शन में जो बॉडी पर एक्सीलरेशन है वो 3g है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यदि मैं यहां से यहां तक की बात करता हूं ना, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यदि बॉडी पर फोर्स की बात करें, तो फोर्स MA लग रहा है, जितने टाइम में बॉडी वर्टिकल डायरेक्शन में L/2 डिस्टेंस ट्रेवल करती है, उतने टाइम में बॉडी को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में L डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। इसका मतलब इधर वाला जो एक्सीलरेशन है जस्ट इस वाले एक्सीलरेशन का, इधर वाला जो एक्सीलरेशन है वो जस्ट इस वाले एक्सीलरेशन का, इधर एक्सीलरेशन 3g, तो इधर वाला एक्सीलरेशन डबल होना चाहिए, मतलब इधर वाला एक्सीलरेशन जो मेरे पास निकल कर आएगा दैट कम्स एज 6g। पहली चीज तो ये,
बोले जी ठीक है। फिर दूसरी बात, यदि मैं टाइम की बात करूं तो देखो बॉल यदि यहां हिट करती है तो वर्टिकली बॉल ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, एल बाई टू, ट्रेवल्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ एक्सिलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में 3g इनटू में टी स्क्वायर, मतलब बॉल को उस वाले पॉइंट पर हिट करने में जो टाइम लगेगा दैट टाइम विल बी अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई 3g। तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर की यदि मैं बात करूं तो एक तो सेकंड वाला आंसर करेक्ट हो गया और एक थर्ड वाला आंसर करेक्ट हो गया। बोलो ठीक है। चलिए जी सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन SHM का एक सिंपल सा क्वेश्चन है डियर। इस वाले में कहा यह गया कि एक बॉडी जो है वो SHM एग्जीक्यूट कर रही है जिसका एम्पलीट्यूड कैपिटल ए है, टाइम पीरियड कैपिटल टी है, मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स है और फेज कॉन्स्टेंट जो है वो जीरो है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला तो बोले सब एम्पलीट्यूड कैपिटल ए, टाइम पीरियड कैपिटल टी और मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स। तो यहां से मैं ये कहूं यदि मीन पोजीशन से बॉडी शुरू करती है तो x की वैल्यू अपन क्या रख सकते हैं। बोले जी सर x की वैल्यू जो है वो a sin omega t अपन रख सकते हैं। x की वैल्यू क्या रख सकते हैं, x की वैल्यू a sin omega t रख सकते हैं और मैक्सिमम वेलोसिटी जो है उसको इस केस में क्या बोला जाएगा, बोले जी साहब a omega बोला जाएगा और omega और टाइम पीरियड में रिलेशन अपन कुछ इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। पहले केस में वो कह रहा है कि जब y a by 2 है तो v जो है वो v max by 2 से ज्यादा है। देखो y जब a by 2 होता है तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर पोजीशन पर वेलोसिटी जो होती है वो अपने को इस टाइप से डिफाइन होती है। तो ये वाला डाटा मेरे पास रूट थ्री ए ओमेगा डिवाइडेड बाई टू निकल कर आता है। ए ओमेगा बाई टू इज वी मैक्स, सो इट इज रूट थ्री वी मैक्स। अब रूट थ्री वी मैक्स जैसे ही मैंने बोला वो वी मैक्स बाई टू से ज्यादा, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सेकेंड वाले में बोल रहा है कि जब वाई वी वी मैक्स बाई टू के इक्वल है तो वाई ग्रेटर देन ए बाई टू है। देखो वी वी मैक्स बाई टू के इक्वल रखा तो वी की वैल्यू ओमेगा ए बाई टू इज इक्वल टू ओमेगा साथ में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मैंने रख दिया, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो गया, दिस वैल्यू इज ए स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से सोल्व करने पर वाई की वैल्यू जो निकल कर आती है वो रूट थ्री ए बाई टू निकल कर आ रही है और रूट थ्री ए बाई टू आई, इसका मतलब ये ग्रेटर देन ए बाई टू है। तो सेकंड वाला ऑप्शन जो वो भी करेक्ट है। फिर तीसरे में कह रहा है कि जब टाइम टी बाई एट है, कैपिटल टी बाई एट, जैसे ही अपन इसमें रखेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट अपने पास आएगा एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा के प्लेस पर टू पाई बाई टी इनटू में टाइम टी बाई एट। तो ये तो टी से टी कैंसिल आउट हो गया, साइन पाई बाई फोर। तो यहाँ से सोल्व करने पर एक्स की वैल्यू बोल दो चाहे वाई बोलो, दैट इज ए बाई टू, ए बाई रूट टू, इट इज 0.707a और ये 0.5a से ज्यादा बिल्कुल आ रही है। थर्ड ऑप्शन ऑल्सो करेक्ट। फोर्थ वाले में बोल रहा है कि जब वाई ए बाई टू है तो टाइम जो है वो कैपिटल टी बाई एट से ज्यादा है, मतलब स्मॉल वाई जब ए बाई टू है, स्मॉल वाई ए बाई टू है तो अपनी इक्वेशन में रखकर यदि सोल्व करते हैं तो ए बाई टू इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, दैट वैल्यू इज 2 पाई बाई टी इनटू में स्मॉल टी। यहां से सोल्व करने पर 2 पाई बाई टी इनटू में स्मॉल टी की वैल्यू जो आती है दैट वैल्यू इज पाई बाई 6। तो यहां से सोल्व करने पर स्मॉल टी की वैल्यू जो है वो कैपिटल टी बाई 12 आ रही है और उसमें वो बोला गया है कि साहब आपका जो टाइम है वो टाइम कैपिटल टी बाई 8 से ज्यादा है, मतलब ये अपना इनकरेक्ट आंसर है। मतलब इसमें करेक्ट आंसर की बात करें तो 1, 2 and 3 आर दी करेक्ट आंसर्स। बोलो ठीक। चलिए जी सर आगे बढ़ाते हैं बात को, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि द वेसल शोन इन द फिगर हैज टू सेक्शंस ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल A1 एंड कैपिटल A2। इस वेसल में दो सेक्शंस हैं, ये वाले का एरिया कैपिटल A1 है और ये वाले का एरिया कैपिटल A2 है और इसमें एक रोल एक डेंसिटी का लिक्विड जो है वो फिल किया हुआ है और इसकी हाइट जो है इस वाले में भी एच है बेटा और इस वाले में भी एच है। एटमोस्फेरिक प्रेशर को नेग्लेक्ट करना है तो मेरे को यह बताना है कि बेस पर प्रेशर सबसे पहले। तो देखो यहां प्रेशर की बात करूं तो रोजी एच इंक्रीज हुआ, यहां रोजी एच हुआ तो इस वाले पॉइंट पर प्रेशर की बात अपन बोल सकते हैं कि साहब इस वाले पॉइंट पर प्रेशर जो है वो 2ρgh है। वैसे तो यह होता है पी नोट एच हाइट नीचे आने पर पी नोट प्लस रोजी एच और 2h जाने पर पी नोट प्लस 2ρgh। एटमोस्फेरिक प्रेशर को नेग्लेक्ट कर रहा है अपना तो उस वाले पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू 2ρgh के इक्वल होगी, मतलब फर्स्ट वाला जो आंसर है वो अपना करेक्ट है। फिर दूसरे वाले में कह रहा है द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द बेस ऑफ द वेसल इज, लिक्विड ने इसके बेस पर जो फोर्स लगाया तो देखो बेस पर जो फोर्स लगाएगा वो होगा प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर मेरा ये है, एरिया जो है वो कैपिटल A2 से जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसका मतलब सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो भी अपना करेक्ट है। थर्ड वाले में कह रहा है कि द वेट ऑफ द लिक्विड इज लेस देन दिस। देखो बेटा यदि मैं लिक्विड के मास की बात करूं तो इस लिक्विड का मास जो मेरे पास है वो है A1 इंटू रो प्लस A1H इंटू रो प्लस में A2H इंटू रो, बोलो हाँ, और इसका वेट जो होगा वो मल्टीप्लाइड विथ G हो जाएगा।
तो ऑब्वियसली A1 A2 से छोटा है, इसका मतलब ये वाला डाटा जो है वो मेरे पास 2A2 H रो Z इससे क्या आएगा, लेस आएगा, इसका मतलब मेरा थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो भी करेक्ट आंसर है। अच्छा, फोर्थ वाले में कह रहा है द हॉरिजॉन्टल वॉल ऑफ द वेसल, the horizontal wall of the vessel at level x exerted downward force this on the liquid, kis ki jo wall hai wo is par downward force laga rahi hai itna। dekho beta, yadi main yahan par horizontal wall ke sath force ki baat karta hu, samajhna zara, is liquid par upar ki or वेट की वजह से फोर्स लग रहा है mg, मतलब एक तो इसके वेट की वजह से और एक इसके वेट की वजह से, तो इस पर डाउनवर्ड फोर्स जो लग रहा है वो मेरे पास लग रहा है a1 प्लस a2 साथ में रो जी एच। बेस की वजह से इस पर जो ऊपर की तरफ जितना फोर्स लिक्विड बेस पर लगाएगा उतना ही बेस लिक्विड पर लगाएगा, तो इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा 2 रो जी एच इंटू में A2 इंटू जी, बोलो हाँ या ना बोले हाँ। अब इस पर नेट फोर्स जो होना चाहिए ना बेटा वो जीरो होना चाहिए, ये स्टेशनरी है, तो इस वाले पोर्शन पर एक तो मास की वजह से इतना फोर्स लग रहा है, नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ इतना लग रहा है, तो ये वाली वॉल्स जो इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगी और किसके इक्वल, दिस माइनस दिस, तो यहां से यदि अपन सोल्व करेंगे तो ये डाटा निकल कर आएगा रो जी एच साथ में A2 माइनस में A1, ताकि नेट फोर्स जीरो बने और लिक्विड अपना स्टेशनरी रहे। तो इस वाले केस में जो करेक्ट आंसर अपने पास होगा दैट फोर्थ वन इज दी आल्सो करेक्ट, मतलब इस वाले केस में 1, 2, 3, 4 चारों ऑप्शंस जो है वो करेक्ट है। बोलो जी सर सेट है। चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 एक सिंपल सा क्वेश्चन, थ्योरी बेस्ड, मतलब आपको कंसेप्ट यदि पता है। देखो पेपर में हमने एडवांस का जो पेपर बनाने की कोशिश की है वो बिल्कुल वैसे ही की है जैसे जेईई एडवांस का पेपर रियल में आता है। इन रियलिटी जेईई एडवांस के पेपर में कुछ क्वेश्चन टिपिकल और कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी भी होते हैं और कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट से होते हैं। जैसे इस वाले में मैं बात करूं तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन था वो आपको परेशान कर सकता था। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2, 1 बहुत अच्छा था मल्टीपल चॉइस का, 2 थोड़ा सा मॉडरेट सा, मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर मान सकते हैं, इस वाले में इसकी वजह से थोड़ा सा मॉडरेट सा, और ये वाला जो अपना है फिफ्थ वाला बहुत इजी सा नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन से बात करें। ये बोल रहा है साहब कि 2 वायर है ए और बी जिनकी इक्वल लेंथ है और सेम मटेरियल के बने हुए, बट डायमीटर जो है वो ए का, ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी, इसका मतलब ए का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो बी के क्रॉस सेक्शनल एरिया का कितने टाइम्स होगा। बोले जी 4 टाइम्स होगा। फिर वो कह रहा है देन फॉर ए गिवन लोड, मतलब दोनों मर सेम लोड मैंने लगाया तो एक तो एक्सटेंशन की बात करता है। देखो एक्सटेंशन की वैल्यू जो होती है वो एफ अपॉन ए साथ में ये वाला डाटा वाई और ये वाला डाटा एल रहता है। तो डियर इस वाले केस में यदि एरिया कम है तो एक्सटेंशन ज्यादा होगा, ए का एरिया 4 टाइम्स है मतलब एक्सपेंशन 1/4 होगा, या फिर बी में एक्सपेंशन ए का 4 टाइम्स होगा तो बी में एक्सटेंशन जो है वो 4 टाइम्स आ रहा है, और दूसरे वाले केस में केवल स्ट्रेन की बात की गई है तो स्ट्रेन तो डेल्टा एल बाई एल है जिसकी वैल्यू अपन क्या डिफाइन करेंगे एफ अपॉन वाई, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये भी किसके ए के, मतलब जो ऑप्शन जैसा जो प्रोपोर्शन एक्सटेंशन में चला है वही किस में चलेगा स्ट्रेन में, तो स्ट्रेन के अकॉर्डिंग यदि अपन इसमें बात करेंगे तो फोर्थ वाला जो आंसर है वो इसका करेक्ट आंसर जाएगा। बोलो ठीक। चलिए जी सर आगे बढ़ाते हैं बात को, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो एक इजी सा क्वेश्चन SHM का, उसमें यह कहा गया कि एक पार्टिकल O से a/2 डिस्टेंस पर है और पार्टिकल जो है वो मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है अभी, है ना, मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसा कहा गया कि पार्टिकल पॉइंट A से a/2 से स्टार्ट करता है फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड ट्रेवल टुवर्ड्स लेफ्ट एज शोन इन द फिगर, मतलब ये इस डायरेक्शन में मूव करता है, तो मेरे को SHM की पॉसिबल इक्वेशंस के बारे में लिखना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। वैसे देखा जाए तो एक्स की वैल्यू जो है इस वाले केस में अपन डिफाइन करेंगे, इट इज a sin ωt प्लस में फाई, तो साहब यदि आप इसमें a by 2 रखकर सोल्व करते हैं तो phi की 2 पॉसिबल वैल्यूज आती हैं, एक तो pi by 6 आती है और एक 5 pi by 6 आती है। pi by 6 तो अपन तब लेते हैं जब पार्टिकल इधर मूव कर रहा होता है, क्योंकि उस केस में फेज 0 से pi by 2 के बीच,
और 5π/6 अपन तब लेते हैं जब पार्टिकल इधर मूव कर रहा होता है, क्योंकि उस केस में फेज जो है वो π/2 से किसके बीच होगा, पाई के बीच होगा, मतलब उसका फेज जो है वो 5π/6 अपन लेंगे, तो एक तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो सेकंड वाला हो गया। अब उसके बाद आगे इस बात को बढ़ाएं तो देखो 5π/6 जो है ना उसको ब्रेक करके मैंने लिख दिया क्या, π/2 + π/3। जैसे इसको π/2 + π/3 लिखा, ये वाला डाटा साइन π/2 + थीटा बन गया, दैट विल बी द कोस थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग यदि अपन करेक्ट आंसर की बात करेंगे, देन फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन में ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 ये दो करेक्ट आंसर्स हैं। बोलो ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 7। ये बहुत ही एक अल्टीमेट सा क्वेश्चन है, तो चलिए इसको डिस्कस करें डियर। तो देखो डियर, इस वाले क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि एक ऑप्टिकल फाइबर है ना, और उसमें सिलेंड्रिकल कोर है जिसकी रेडियस है a, ओके जी सर, और एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वेरिएबल है ग्रेजुअली, मतलब इनिशियली z एक्सिस के अलोंग उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो है वो वेरिएबल है कि इनिशियली n = n1 और बाद में n = n2 है, विद डिस्टेंस x फ्रॉम द z एक्सिस अकॉर्डिंग टू द लॉ दैट n = n1 √1 - α² x² ओके जी सर, द कोर इज सराउंडेड बाय अ क्लैडिंग मेड ऑफ अ मटेरियल विद कांस्टेंट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स n2, कंसीडर द फाइबर इज एयर ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स n0, ओके, कंसीडर द इंसिडेंट एंगल थीटा आई अंडर विच द लाइट रे स्टिल कैन प्रोपोगेट इनसाइड द कोर ऑफ फाइबर, कि जो फाइबर की कोर है उसमें लाइट रे जो है वो प्रोपोगेट कर रही है, और इसका जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, चलिए पहले क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं आपको। ये ऑप्टिकल फाइबर है ना, और इसमें लाइट रे जो है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वेरिएबल है, वेरिएबल रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कुछ इस टाइप से गिवन है कि n की वैल्यू जो है वो n1 साथ में 1 - α² x² है। तो देखो डियर, जब x की वैल्यू 0 है, मतलब इस वाले पॉइंट पर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है n1, और इस वाले पॉइंट पर यदि मैं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की बात करता हूं, तो इस वाले पॉइंट पर ये अपने को z एक्सिस दे रखा है और ये वाला मेरे को x एक्सिस दे रखा है, तो इस वाले पॉइंट पर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जब x के प्लेस पर मैं a पुट करता हूं, ऐसा ही तो दे रखा है, उसकी रेडियस जो दे रखी है, n0 की वैल्यू तो 1 दे रखी है और उसकी रेडियस जो दे रखी है दैट इज a, मतलब जैसे ही x के प्लेस पर a पुट करता हूं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स n2 बन जाता है, तो n2 इज इक्वल्स टू n1 1 - α² a² यहां से सोल्व करने पर n2² / n1² = 1 - α² a² यहां से सोल्व करने पर α² a² = 1 - n2² / n1² इसका मतलब आपका अल्फा जो आ रहा है वो 1/a अंडर रूट में 1 - n2 / n1² आ रहा है, मतलब इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वेरिएबल है, उसके अकॉर्डिंग अल्फा की बात करें तो अपने पास अल्फा की ये वाली वैल्यू आ गई, अल्फा की ये वाली वैल्यू किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब ना तो ऑप्शन 3 करेक्ट है ना 4th करेक्ट है। अब मेरे को ऑप्शन 1 और 2 के बारे में बात करनी कि लाइट रे यदि इससे ट्रेवल करती भी जाती है, लाइट रे यदि इससे ट्रेवल करती भी जाती है तो वो लाइट रे का पाथ जो है उस पाथ की इक्वेशन क्या होगी, मुझे उस लाइट रे के पाथ की इक्वेशन बतलानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो डियर, समझना जरा बात को कि लाइट रे मान लो यहां पर सबसे पहले इस वाले पॉइंट पर इंसिडेंस जो अपने को दे रखा है वो दे रखा है थीटा आई, पहला वाला जो एंगल दे रखा है वो इंसिडेंस एंगल जो है वो थीटा आई दे रखा है। लाइट रे यहां से अपने पास थीटा आई एंगल पर इंसिडेंट हुई, मान लो किसी टाइम पर लाइट रे ट्रेवल करती भी जब जा रही है ना, देखो एक्स कोऑर्डिनेट के साथ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वेरिएबल है, मतलब अपन यदि वेरिएबल स्लैब लेंगे तो ऐसी बनेगी, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऐसे वेरिएबल है, किसी पर्टिकुलर टाइम पर लाइट रे यहां पर इंसिडेंट हुई है ना, मान लो ऐसे गई, ये वाला एंगल थीटा है, तो मैं एक चीज तो इसमें ये लिख सकता हूं कि साहब स्नेल्स लॉ से हर एक सरफेस के लिए क्या n into, देखो सरफेस का नॉर्मल ऐसा होगा तो ऐसा ही तो है, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना 90 - थीटा, तो सबसे पहली चीज जो अपन यहां पर अप्लाई कर सकते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं कि n into थीटा जो है ना cos थीटा दैट विल बी कांस्टेंट, sin 90 - थीटा sin इंसिडेंस एंगल दैट इज n into cos थीटा, और n into cos थीटा जो मेरे पास आया साहब वो एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई। बोलो ठीक। बोले जी ठीक है। पहली चीज तो अपन ने जो इस इक्वेशन के साथ निकाली, मतलब यहां से अपन जो बोल सकते हैं कि वेरिएबल रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की बहुत सारी स्लैब्स हैं, उनके लिए अपन n into cos थीटा जो है उसको कांस्टेंट बोल सकते हैं। बोले जी ठीक है। दूसरा,
यदि ये वाला एंगल थीटा है तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो होगा वो dx by dz, that will be tan थीटा, बोलो हाँ या ना बोले हाँ। तो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू जो आ रही है वो tan थीटा के इक्वल आ रही है। फर्स्ट डेरिवेटिव जो आ रहा है ना इस लाइन का, मतलब इस पाथ का, वो tan थीटा के इक्वल आएगा, बोलो जी सेट है। अच्छा देखो, n cos थीटा एक कांस्टेंट है, तो n की वैल्यू जो है वो मैं कांस्टेंट डिवाइडेड बाय cos थीटा रख सकता हूं, बोलो हाँ कि ना बोले हाँ। अब cos थीटा जो है वो नीचे cos थीटा और ऊपर जाकर क्या बन गया, बोले वो sec थीटा बन गया। ऊपर जाकर वो वाला डाटा यदि sec थीटा बना तो मेरे पास ये वाला डाटा n by c जो है वो sec थीटा के इक्वल आ रहा है, और यदि मैं स्क्वायर करूंगा तो n by c का स्क्वायर जो है वो sec स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा जो है उसको मैं 1 plus tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। बोलो लिखा जा सकता है क्या सर? बोले लिखा जा सकता है। n जो है वो खुद वेरिएबल टर्म है, n जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और वो खुद वेरिएबल है। तो n by c जो मेरे पास निकल कर आया, यहां से अपन बोल सकते हैं कि साहब n by c is 1 plus tan square theta, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि n by c का स्क्वायर जो है वो 1 plus x dash का स्क्वायर लिखा जा सकता है। x dash जो है वो x का z के रेस्पेक्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव है, बोलो ठीक। अब इसमें आगे यदि मैं बात करूं तो देखो साहब, n तो खुद वेरिएबल है और n की वैल्यू किसके इक्वल है, n1 अंडर रूट 1 माइनस अल्फा स्क्वायर x स्क्वायर के। तो n का जैसे ही स्क्वायर किया, ये वाला डाटा आया n1 स्क्वायर साथ में 1 माइनस अल्फा स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर साथ में 1 प्लस x डैश का स्क्वायर फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर। एक काम करते हैं ना, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। जैसे डिफरेंशिएट करेंगे ये वाला डाटा n1 स्क्वायर c स्क्वायर साथ में 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस में अल्फा स्क्वायर तो कांस्टेंट, और x का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का 2x x डैश z के रिस्पेक्ट में किया, इधर 1 का डिफरेंशिएशन 0 और x डैश का डिफरेंशिएशन हो गया 2x डैश साथ में x डबल डैश, सेकंड डेरिवेटिव आएगा। अच्छा जी साहब, यहां से यदि बात करें अपन, देखो थोड़ा सा सजा के लिखना चाहें तो 2x डैश और 2x डैश तो कैंसिल आउट हो गया, इधर वाला डाटा मेरे पास बच रहा है माइनस में अल्फा स्क्वायर n1 स्क्वायर साथ में c स्क्वायर प्लस इनटू में x इज इक्वल्स टू, ये वाला डाटा बच रहा है मेरे पास x डबल डैश, बोलो सही। तो डियर यहां से n cos थीटा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, याद रखना, अपन कहीं पे जरूरत पड़ेगी तो काम में लेंगे। आपका x डबल डैश जो आ रहा है प्लस में अल्फा n1 डिवाइडेड बाय c का स्क्वायर इनटू में x, ये वाली जो है ये एक अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है ना, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसका सॉल्यूशन जो होता है वो x = यहां से यदि मैं बात करूं तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो x = a sin ओमेगा t प्लस में कोई कांस्टेंट फेज कांस्टेंट। तो इनिशियली तो सॉरी इट इज नॉट ओमेगा t, इट इज ओमेगा z, this will be a sin omega z plus में कोई phase constant phi। तो जब z is equals to 0 है तो x is equals to भी 0 है, body यहाँ पर मतलब light ray जो है वो origin पर enter कर रही है, तो 0 comma 0 पर enter करके गई, तो मतलब जब से ही मैं x is equals to 0 put करूँगा z is equals to भी 0 है, तो मतलब मेरा phi 0 है, तो x की value जो है open ये लिख सकते हैं कि it is a sin omega z, बोलो ठीक। अच्छा जी, x की वैल्यू जो अपने पास आ रही है वो a sin omega z आ रही है, अपने को एक तो ओमेगा की वैल्यू पुट करनी है और ओमेगा जो है वो अल्फा n1 by c है। चलिए बाकी सब एक दफा मैं हटा रहा हूं यहां से, तो x की वैल्यू जो मेरे पास आई वो निकल कर आ गई a sin omega, व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इज अल्फा n1 by c इनटू में z, बोलो सही, बोला जी ठीक है। अब मेरे को एम्पलीट्यूड की वैल्यू चाहिए, इफ एनी हाउ यदि मेरा एम्पलीट्यूड आ गया तो बाकी सारे डाटा जो है वो नोन है। तो देखो डियर कि मेरा x जो है वो a sin अल्फा n1 डिवाइड बाय c इनटू z आ रहा है ओमेगा की वैल्यू पुट करने पर। अब यहां पर यदि मैं देखो अल्फा की वैल्यू की बात करता हूं ना, तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास कुछ इस टाइप से निकल कर आई थी, आपको याद हो तो दिस टर्म इज 1 माइनस n2 upon n1 का स्क्वायर, बोलो सही है। तो यहां से डियर यदि मैं अल्फा n1 की बात करता हूं तो अल्फा n1 जो है वो 1 by a साथ में मेरे पास n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर आ रहा है, बोलो सही है क्या? अच्छा, c जो है वो n cos थीटा i इज इक्वल्स टू c अपन ने लिया था, तो स्टार्टिंग के केस में यदि मैं सबसे पहले स्टार्ट n cos थीटा इज इक्वल्स टू c अपन ने लिया था, तो मैं सबसे पहले वाले को लेकर बात करता हूं तो n0 cos थीटा i ये भी किसके इक्वल होगा, c के, और n नॉट की वैल्यू कितनी है 1, मतलब आपका जो कांस्टेंट है वो cos थीटा i के इक्वल है। तो कांस्टेंट यदि cos थीटा i के इक्वल है तो इस कांस्टेंट को सजा कर
मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आई। मतलब यहां से एक्स जो है वो ए साइन अल्फा एन वन बाई सी, अल्फा एन वन बाई सी, सी इज दिस, तो अल्फा एन वन बाई सी दैट वैल्यू इज 1 बाई ए, साथ में अंडर रूट ऑफ एन वन स्क्वायर माइनस एन टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आई इंटू में जेड। ये अपने पास डाटा निकल कर आ गया एक्स का। अब उसके बाद हमसे यदि मैं इसमें एम्पलीट्यूड की वैल्यू एनी हाउ सोल्व करके रख दू, एनी हाउ एम्पलीट्यूड आ जाए तो ये इक्वेशन आ जाएगी पाथ की, बोलो सही है। अच्छा देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो मैच करोगे तो यहां से भी तुम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। उसके बाद यदि बात करो एम्पलीट्यूड निकालना ही है एनी हाउ, तो मैंने कहा कि एक्स डैश जो है वो होगा ए ओमेगा साथ में कोस ओमेगा टी, बोलो हाँ या ना, बोले हाँ, कोस ओमेगा जेड। एक्स डैश की वैल्यू ये आएगी, तो एट जेड इज इक्वल टू जीरो एक्स डैश जो है वो किसके इक्वल है, बोले जी टेन थीटा आई के इक्वल है, तो टेन थीटा आई इज ए ओमेगा, तो मेरा कैपिटल ए जो आ रहा है वो टेन थीटा आई डिवाइडेड बाई ओमेगा आ रहा है। अब देखो ओमेगा जो आपका है वो ये रहा सब अल्फा एन वन बाई सी, ये रहा ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू जैसे ही मैं रखूंगा दिस इज अंडर रूट वन एन वन स्क्वायर माइनस एन टू स्क्वायर, एम्पलीट्यूड इधर गया, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको कोस थीटा आई रख दिया, और साथ में ये जो टेन थीटा आई है ना डियर, इस टेन थीटा आई को साइन थीटा आई डिवाइडेड बाई कोस थीटा आई रख दिया, तो कोस थीटा आई से कोस थीटा आई तो सही हो गया, तो इसके एम्पलीट्यूड की वैल्यू जो मेरे पास आ रही है दैट वैल्यू इज कमिंग एज ए साइन थीटा आई डिवाइडेड बाई एन वन स्क्वायर माइनस में एन टू स्क्वायर। ये अपने पास एम्पलीट्यूड आ गया, तो ये एम्पलीट्यूड की वैल्यू यदि मैं यहां पुट करूंगा तो इसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर मेरे पास आ रहा है दैट आंसर इज ए साइन थीटा आई अंडर रूट एन वन स्क्वायर माइनस एन टू स्क्वायर वन माइनस साइन स्क्वायर, फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। मतलब इसके पाथ की जो इक्वेशन आएगी वो फर्स्ट ऑप्शन में दी हुई है और कोई ऑप्शन इसमें करेक्टली मैच नहीं करेगा, तो इसमें केवल एक ऑप्शन करेक्ट है दैट इज द फर्स्ट वन। बहुत अल्टीमेट शानदार सा क्वेश्चन जिसमें अपन ने वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले कंसेप्ट को यूज किया है, बोलो ठीक। चलिए जी सर आगे बढ़ाते हैं बात को, फिर क्वेश्चन नंबर एट, एक बहुत इजी क्वेश्चन, ये भी वैसे सिंगल चॉइस क्वेश्चन ही है, थोड़ा सा कंफ्यूजन के लिए कुछ जगह, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में भी सिंगल चॉइस में एक ही मैच, मल्टीपल चॉइस में एक ही मैच किया, दूसरे वाले में भी एक ही कर रहा है, थोड़ा सा सोचने के लिए कि यार हाँ टीचर ने कहीं गलती से तो नहीं दे दिया है, एक दफा सोचने के लिए, तुमसे गलती करवाने के लिए बस। क्वेश्चन नंबर एट में कह रहा है कि दो बोथ लाइट एंड साउंड वेव्स हैव अ वेव कैरेक्टर येट डिफ्रेक्शन इज मच हार्डर टू ऑब्जर्व इन लाइट बिकॉज, कि भाई दोनों के पास वेव नेचर होता है बट लाइट वेव्स जो है उनमें डिफ्रेक्शन जो होता है वो बहुत कम मिलता है, क्योंकि एक्चुअली इसका रीजन ये होता है कि साउंड वेव्स की जो वेवलेंथ है वो अपने जनरल जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जनरल जो स्लिट्स हैं उनके ऑर्डर की होती है, तो साउंड वेव्स के लिए बहुत जल्दी मिल जाता है, लेकिन लाइट वेव्स की वेवलेंथ जो है भाई डिफ्रेक्शन के लिए लैम्डा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ए चाहिए होता है, और ऐसा अपने को बहुत मतलब इतनी छोटी साइज के स्लिट्स जो है वो जनरली नहीं मिलते हैं, इसलिए लाइट वेव्स जो है उनका डिफ्रेक्शन पैटर्न जनरली नहीं मिलता है, तो इस वाले केस में डियर फोर्थ जो है वो करेक्ट आंसर है अपना, बोलो ठीक। चलिए जी सर आगे बढ़ाते हैं बात को, एट्थ के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर नाइन में देखो क्या कह रहा है कि व्हाइट लाइट इज यूज्ड इन वाई डी एस सी सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज डी एंड स्क्रीन एज अ डिस्टेंस कैपिटल डी फ्रॉम द स्लिट्स एट अ पॉइंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स सर्टेन वेवलेंथ्स आर मिसिंग। वो कह रहा है कि व्हाइट लाइट यूज की अपन ने डिफ्रेक्शन में और बिल्कुल इसके एग्जैक्टली सामने वाले पॉइंट्स पर कुछ वेवलेंथ्स मिसिंग है, उन वेवलेंथ्स की कैलकुलेशन करनी, वो वेवलेंथ्स क्या क्या होंगी। देखो यदि कोई लाइट रे यहां आ रही है ना, मतलब एक यहां से और एक यहां से, तो उनमें पाथ डिफरेंस जो होता है वो डी साइन थीटा होता है, साइन थीटा और टेन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं, तो इस वाले केस में ये डिस्टेंस है स्मॉल डी बाई टू, ये डिस्टेंस है कैपिटल डी, तो टेन थीटा स्मॉल डी बाई टू डिवाइडेड बाई कैपिटल डी आएगा, मतलब पाथ डिफरेंस जो है वो इसके इक्वल होगा, और यदि वहां पर कुछ वेवलेंथ मिसिंग है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन जैसे ही अपन यहां से लगाएंगे तो वो जो मिसिंग वेवलेंथ होंगी उनकी वैल्यू अपन कुछ यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, बोलो ठीक है क्या। तो अब तो वैल्यू पुट करते चलो, जैसे इसमें जीरो रखा तो लैम्डा डी स्क्वायर बाई कैपिटल डी, डी स्क्वायर बाई थ्री डी, डी स्क्वायर बाई फाइव डी, डी स्क्वायर बाई सेवन डी, नाइन डी, इलेवन डी, मतलब नीचे ओड वाले सारे टर्म्स इसके आंसर होंगे, तो थर्ड करेक्ट है, फोर्थ करेक्ट है और फर्स्ट वाला करेक्ट है, सेकेंड वाला जो है वो इनकरेक्ट है, तो इस क्वेश्चन के जो करेक्ट आंसर जाएंगे डियर दैट विल बी वन थ्री एंड फोर, बोलो ठीक। चलिए जी सर आगे बढ़ाते हैं बात को, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10,
देखो 10 में ये कह रहा है कि दो मिरर है मेरे पास, M1 और M2, और दोनों ही मिरर का इस वाली लाइन से ये वाला फाई एंगल नीचे और ये वाला फाई एंगल ऊपर है। मिरर्स का इस वाले मिरर का नीचे की तरफ फाई एंगल है और उस वाले मिरर का ऊपर की तरफ फाई एंगल है। मैंने यहां सोर्स रखा हुआ है और उसके सामने यहां पर एक ऑब्स्टेकल कुछ इस टाइप से रख दिया कि कोई भी लाइट रे जो है वो डायरेक्टली स्क्रीन पर यहां से नहीं पहुंचनी चाहिए। मतलब लाइट रे जो है वो यहां से रिफ्लेक्ट होकर ही इस स्क्रीन पर आ रही है। तो अपने को स्क्रीन पर फ्रिंज पैटर्न ऑब्जर्व होता है तो मुझे उस फ्रिंज पैटर्न की फ्रिंज विड्थ की वैल्यू बतलानी है। देखो सेकंड वाला फर्स्ट वाला इसका आंसर है एक तो, है ना। यदि इसके आंसर की बात करें तो 1 और 4 आ रहे हैं। 1 वाला मैं निकाल दूंगा, 4th वाला तुम इजीली कर ही लोगे यार, है ना। चलिए जी सर, डायग्राम बना के प्रॉपरली अगले पेज पर करते हैं। देखो बेटा सोर्स मेरा यहां है तो इमेज यहां बनेगी इसकी I1 इस वाले मिरर से बिल्कुल बनेगी। यदि ये डिस्टेंस जो मेरे को दे रखी है, ये वाली डिस्टेंस दे रखी है R, है ना, और ये वाला एंगल है फाई, तो ये डिस्टेंस तो R cos फाई और ये वाली डिस्टेंस है R sin फाई। यदि ये R sin फाई है इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस जो है ये भी R sin फाई है और ये वाला एंगल 90-5 है। बोलो सही, ये वाला 90-5 है, ये वाला एंगल फाई है। ये जो डिस्टेंस आ रही है पहली इमेज की, ये आ गई 2R sin फाई साथ में cos फाई, मतलब R sin 2 फाई आ गई ये वाली डिस्टेंस। ये R sin 2 फाई आई तो सिमिलरली इस वाले मिरर से ये जो इमेज बनेगी इसकी भी ये डिस्टेंस जो होगी वो R sin 2 फाई होगी। बोले हाँ, तो दोनों सोर्सेज के बीच की डिस्टेंस हो गई स्मॉल डी जो आ रहा है वो 2R sin 2 फाई आ गया। अब फ्रिंज विड्थ जो होती है ना वो लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी होती है और कैपिटल डी सोर्सेज की स्क्रीन से डायरेक्ट डिस्टेंस है। तो स्क्रीन यहां है उसके लिए ये दो सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। तो ये डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस तो दे रखी है बी, ये है 2R sin फाई, ये वाला एंगल है फाई, तो ये 2R sin फाई cos फाई, ये 2R sin फाई sin फाई, तो ये मेरे पास बना 2R साथ में sin स्क्वायर फाई। तो कैपिटल डी की वैल्यू जो मेरे पास आ गई वो आ गई 2R sin स्क्वायर फाई प्लस में बी। तो यदि मैं फ्रिंज विड्थ निकालना चाहूंगा तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट वाला जो आंसर है वो मैच कर रहा है। फिर तो कुछ नहीं करना है, 2 sin 2 phi जो है उसको 2 sin 5 cos 5 लिख के थोड़ा सा सेटल करना है। बोलो क्लियर, cos 5 से डिवाइड करना है, आंसर आ जाएगा। मैंने कुछ इतना ही किया है इसमें। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट मैंने निकाल दिया, फोर्थ तो ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो इतना तो कर ही लोगे। बोलो ठीक, तो इसके जो करेक्ट आंसर्स हैं वो 1 और 4 है। चलिए जी सर, फिर अगले सेक्शन की बात करते हैं। अगला जो है वो अपना सेक्शन डी है, इंटीजर टाइप सेक्शन। इसमें 10 इंटीजर वाले क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 1 से। वो कह रहा है कि पुली का मास तो नेग्लिजिबल है, m जो है उसका मास m/5/3 kg है, k1 दे रखा है, k2 दे रखा है, तो मेरे को इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालना है। देखो एक चीज तो कंफर्म है, मान लो ये ब्लॉक इधर x डिस्टेंस से मूव किया तो इसमें टेंशन t, तो इसमें टेंशन 2t और इसमें भी टेंशन 2t। बोलो सही। अच्छा तो मैं सबसे पहले ये लिखूंगा t into x plus 2t into में x1 plus 2t into में x2। ये वाली वैल्यू जो है वो मेरे पास 0 आएगी। मैंने यहां पर समेशन t.x=0 अप्लाई किया है, तो यहां से जो वैल्यू मेरे पास निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है साहब कि 2x1 plus 2x2 की वैल्यू जो है वो x है, मतलब x1 plus x2 जो है वो x/2 है। दूसरा इसमें k1x1 जो होगा वो k2x2 के इक्वल होगा। देखो k1x1 k2x2 के इक्वल क्यों, देखो इधर टेंशन टी तो इधर भी टी, तो इधर टूटी तो इधर भी टूटी, ऐसे आ रहा है, तो टूटी और टूटी, तो इसमें एक्सपेंशन x1 तो इसमें टेंशन k1x1, इसमें k2x2 तो ये दोनों ही टूटी के इक्वल है। इसका मतलब मेरा x1/x2 जो है वो k2/k1 आ रहा है ना। अब x1/x2 k2/k1 आ रहा है, k2 है 20 और k1 है 10, तो ये वाला डाटा आया 2/1। बोलो सही। बोले जी ठीक है, 2/1 आया, तो x1 की वैल्यू जो है वो तो आ गई 2/3 इंटू में x/2, मतलब ये वाला डाटा जो है ये मेरा x/3 आ रहा है x1 की वैल्यू, और x2 की वैल्यू निकालूंगा तो 1/3 इंटू में x/2, मतलब ये वाला डाटा जो मेरे पास आ रहा है वो x/6 आ रहा है। मतलब यदि ये x नीचे गया तो इसमें एक्सपेंशन x/6 का है और इसमें एक्सपेंशन x/3 का है, बट टेंशन तो अभी भी सेम होगा, तो इसमें टेंशन की वैल्यू जो आ रही है 2t की वैल्यू, वो भाई साहब k1 इंटू में x1,
तो k1 की वैल्यू 10 एंड x1 इज x by 3, तो ये 10x by 3 आ रहा है, तो टेंशन t जो आएगा वो कितना आ गया, बोला टेंशन t की वैल्यू 5x by 3 आ गई, मतलब ये थोड़ा सा नीचे की ओर डिस्प्लेस हुआ, तो जो एक्स्ट्रा टेंशन डेवलप हुआ, mg वगैरह को छोड़ दो, एक्स्ट्रा टेंशन जो डेवलप हुआ उस एक्स्ट्रा टेंशन की वैल्यू मेरे पास 5x by 3 आ गई। बोले जी ठीक, तो एक्स्ट्रा टेंशन यदि 5x by 3 आए तो एक्सेलरेशन जो आएगा वो 5x by 3 डिवाइडेड बाय मास आ जाएगा, और मास दे रखा है 5 by 3, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस एक्स के इक्वल आ रही है। लेट्स कंपेयर दिस इक्वेशन विद माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो कंपेयर करने पर अपने पास ओमेगा की वैल्यू जो निकल कर आ रही है, दैट वैल्यू इज कमिंग एज 1। मतलब यदि मैं इस ब्लॉक को थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ता हूं, सुनना मेरी बात को, इसमें टेंशन टी, इसमें टूटी, इसमें टूटी, तो मैंने सबसे पहले तो कंस्ट्रेंट लगाकर दोनों स्प्रिंग में एक्सपेंशन निकाला, फिर उसके बाद टूटी को के1 एक्स1 या के2 एक्स2 के बराबर रखा, एक्स्ट्रा टेंशन कैलकुलेट किया, एक्स्ट्रा टेंशन को एमए के इक्वल पुट किया, वहां से एक्सेलरेशन निकाला, एक्सेलरेशन का कंपेयर किया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से, तो वहां से अपन ने ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ओमेगा 1 रेडियन पर सेकंड आ रहा है। बोलो ठीक। चलिए जी सर, तो इसका आंसर हो गया अपने पास 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो फ्लूइड के रोटेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है, कि अपने पास इधर रेडियस r1 रेडियस के सर्किल में और ये r2 रेडियस के सर्किल में रोटेट कर रहा है इसके अबाउट, तो इन दोनों की हाइट में, लिक्विड्स की हाइट में h का डिफरेंस है, मुझे वो h का डिफरेंस बताना है। देखो बेटा, यदि मैं यहां प्रेशर की बात करता हूं ना, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच, a और b के बीच प्रेशर की जो डिफरेंस होगी वो मेरे पास ओमेगा स्क्वायर आर टू स्क्वायर है ना, मैं प्रेशर डिफरेंस की बात कर रहा हूं, तो प्रेशर डिफरेंस रो ओमेगा स्क्वायर आर टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस में रो ओमेगा स्क्वायर आर वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 होगा, और उसकी वैल्यू जो है यदि वर्टिकल डायरेक्शन से सोचेंगे तो उस प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू किसके इक्वल होगी, रो जी एच के इक्वल होगी, सिंपल सा केस है, और मुझे एच की वैल्यू बतलानी है। भाई प्रेशर जो होता है, यदि मैं फ्लूड को रोटेट करता हूं ऐसे इस वाले पॉइंट के अबाउट, तो इस वाले पॉइंट पर प्रेशर होता है पी नोट प्लस रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, एक्स्ट्रा प्रेशर जो निकल कर आता है डिवाइडेड बाई 2, पी नोट प्लस रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो यहां पर अपन ने प्रेशर देखा, फिर उसको डिफरेंस लेकर एक बार तो रोटेशन से और एक बार वर्टिकल हाइट से, तो ये वाली वैल्यू आ गई। व्हाट आई हैव टू कैलकुलेट कि मुझे फ्लूड की डेंसिटी रो की वैल्यू जो है हाइट एच की वैल्यू बतलानी है, और फ्लूड की डेंसिटी वो जो है वो रो दिया गया, अच्छा रो कैलकुलेट नहीं करना, रो कैंसिल आउट हो गया। तो यहां देखो जरा, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू तो है 20 डिवाइडेड बाय 2 और r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, दिस वैल्यू इज 4 माइनस 1, और यहां से ये वाला डाटा जो है वो मेरे पास gh के इक्वल आ रहा है, तो ये 10 आया, ये 10 आया तो ये कैंसिल आउट हो गया, मतलब यहां से हाइट की वैल्यू जो मेरे पास आई दैट हाइट इज 3 मीटर, मतलब इन दोनों की हाइट में जो डिफरेंस होगा वो 3 मीटर का होगा। चलिए जी सर, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में अपने पास एक ओपन वेसल है जिसमें ऊपर ऑयल है और नीचे वाटर है, और यहाँ पर एक होल है, और इस होल से वाटर जो है वो एग्जिट होता है, तो मेरे को इसकी वेलोसिटी जो है ना वो चाहिए कि ये किस वेलोसिटी से वाटर जो है वो एग्जिट हो रहा है। तो मैंने कहा देखो ऐसा है, यदि इस वाले पॉइंट पर प्रेशर है पी नोट, तो इस वाले पॉइंट पर प्रेशर होगा पी नोट प्लस रो टू जी एच टू, तो इस वाले पॉइंट पर प्रेशर होगा पी नोट प्लस रो टू जी एच टू प्लस में रो वन जी एच वन, बोलो यस और नो, बोले हाँ। फिर जस्ट इनसाइड और जस्ट आउटसाइड बर्नौली थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो अपन क्या लिखते हैं, पी नोट प्लस रो टू जी एच टू प्लस रो वन जी एच वन इज इक्वल टू पी नोट प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी वाले टर्म को तो नेग्लेक्ट कर देते हैं, पी नोट से पी नोट कैंसिल आउट हो गया। देखिए एक चीज का ध्यान रखना इसमें, कि यहां से जो लिक्विड एग्जिट करेगा वो वाटर करेगा, मतलब वन डेंसिटी वाला करेगा, मतलब यहां पर मुझे जो टर्म पुट करना है ना रोवन पुट करना, यहां जो होने वाली मिस्टेक है वो केवल इतनी है बस, बाकी तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो 1000 इनटू में जी इनटू में एच टू इज 0.3 प्लस में रोवन इज 800 इनटू में जी इनटू में एच वन इज 0.2 20 सेंटीमीटर दे रखा है, हाफ इनटू में रोवन इज 1000 इनटू में वी स्क्वायर, जैसे 1000 से कैंसिल आउट किया, दिस इज 0.8 और ये 1000 कैंसिल आउट, तो ये 0.3 जी, ये 0.8 इनटू 0.2 दैट इज 0.16, 0.3 प्लस 0.16 दैट इज 0.46 जी, दिस वैल्यू कम्स एज वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, जैसे इसको इधर मल्टीप्लाई किया दिस इज 0.92,
z is equals to v square. यहाँ से सोल्व करने पर v की वैल्यू 0.92 into में 9.8 that is approximately 9 और approximately 9 तो उसका अंडर रूट निकालेंगे तो the answer is 3 meter per second. मतलब जो वाटर एग्जिट हो रहा है उसकी वेलोसिटी जो है वो 3 मीटर पर सेकंड है. बोलो ठीक. चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 एक सिंपल सा क्वेश्चन कि वर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन ऑफ 1 mm इन अ वायर ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 mm स्क्वायर इज दिस. देखो वर्क की यदि मैं बात करूं तो वर्क जो होता है वो 1/2 * स्ट्रेस * स्ट्रेन. तो स्ट्रेस को मैं स्ट्रेन * y लिख सकता हूं. इट इज अगेन स्ट्रेन और साथ में होता है वॉल्यूम. वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ. अब देखो 1/2 यंग्स मॉडुलस जो वायर का दे रखा है वो 2 × 10^10 दे रखा है और स्ट्रेन की यदि स्ट्रेन स्क्वायर हो गया. मैं अलग से स्ट्रेन निकालना चाहूं तो स्ट्रेन आपके पास डेल्टा एल है 1 mm और रियल लेंथ है 1/2 सेंटीमीटर. तो 1 × 10^-3 डिवाइडेड बाई 1/2 दिस इज द स्ट्रेन. तो डियर इस केस में मेरे पास स्ट्रेन की वैल्यू 2 × 10^-3 आ गई है ना. तो उसका यदि मैं स्क्वायर करूंगा तो दैट इज 4 × 10^-6 1/2 वाई स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू में वॉल्यूम. वॉल्यूम है एरिया इंटू लेंथ. एरिया जो दे रखा है वायर का वो दे रखा है 1 mm² दैट इज 1 × 10^-6 इंटू में लेंथ. लेंथ इज 1/2. बोलो सेट. अच्छा देखिए ये 4 ये 2 और ये 2 तो कैंसिल आउट हो गया. यहां से डाटा की बात करें 10^-6 10^-6 ये 10^+10 तो 10^-2 बचा. तो डाटा सोल्व करने पर अपने पास 2 × 10^-2 जूल आ गया. यदि अपन यहां से कंपेयर करेंगे तो अपने n की वैल्यू जो है वो अपने पास कितनी आ रही है. बोले जी सर 2 आ रही है. मुझे कैलकुलेट करके बतलाना था कि 50 सेंटीमीटर के वायर में 1 mm का एक्सपेंशन है तो वर्क की वैल्यू, वर्क मतलब स्टोर्ड एनर्जी दैट इज 1/2 * स्ट्रेस * स्ट्रेन * वॉल्यूम होता है. स्ट्रेस को मैंने स्ट्रेन इंटू वाई से रिप्लेस कर दिया फिर डाटा कैलकुलेट कर लिया. बोलो ठीक. चलिए आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें. क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी 5th है ना यार. हाँ 4 तो अपना हो गया, 3 भी हो गया, 3 भी हो गया. चलिए आगे शुरू करते हैं. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5. बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार ना. देखिए 5 में कह रहा है कि एक रोड है जिसकी लेंथ है एल और यहां पर एक मिरर है और ये जो मिरर है इसकी तरफ ये रोड 9 मीटर पर सेकंड से जा रही है. इस मिरर की फोकल लेंथ भी L है और जब ये इसके सेंटर पे होता है मतलब ये लेंथ 2L है, ये लेंथ 2L है तो ये वाली लेंथ 3L/2 है और ये वाली लेंथ जो है ये वाली लेंथ 5L/2 है. बोलो यस और नो. बोले हाँ. तो मेरे को ये निकालना है कि जो इमेज है उसकी लेंथ की चेंजिंग रेट क्या होगी. तो सबसे पहले तो देखो रोड इधर 9 मीटर पर सेकंड से जा रही है तो मैंने कहा u1 की वैल्यू तो 3L/2 है तो यहां से यदि सोल्व किया तो 1/v - +1/u = 1/f. यहां से सोल्व करने पर 1/v कम्स एज दिस इज -3/3l साथ में प्लस का 2/3l मतलब ये डाटा आ गया 1/3l. तो v की वैल्यू जो मेरे पास निकल कर आ रही है वो निकल कर आ गई 3l मतलब v1 3l आया. अच्छा दूसरा यदि v1 3l आया समझना जरा बात को. V1 3L निकल कर आ रहा है वो भी किसका माइनस का निकल के आ रहा है मतलब इमेज डबल साइड की होगी. तो वेलोसिटी जो होती है वेलोसिटी ऑफ इमेज यदि मिरर रेस्ट में होता है तो -m² * वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होती है. वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 9 है. यहां से निकालने पर ये 3L है ये 3L/2 है तो ये डबल आया मतलब मैग्निफिकेशन का स्क्वायर 4 मतलब वेलोसिटी 36 होगी. मतलब ये वाला पॉइंट यहां होगा इधर जा रहा होगा 36 मीटर पर सेकंड से और यहां से इसकी जो डिस्टेंस होगी वो 3L होगी. यदि इसको मैं 0.1 कहूं तो ये वाला 0.1 होगा और यदि 0.2 को लेकर बात करता हूं तो 1/v माइनस में 2/5l इक्वल्स टू -1/l दैट इज 5/5l. तो v की वैल्यू जो आई वो माइनस में 5l/3 आ गई. 5l/3 आई तो मैग्निफिकेशन यदि आप निकालोगे ना तो मैग्निफिकेशन इस केस का 2/3 निकल कर आ गया. 2/3 स्क्वायर करोगे तो 4/9 तो v2 जो है 0.2 यहां होगा. यहां से उसकी डिस्टेंस होगी 5l/3 2L से कम मतलब सेंटर से थोड़ा इधर होगा. जा तो ये भी अपोजिट डायरेक्शन में रहा होगा और उसकी वेलोसिटी जो मेरे पास आएगी वो 4 मीटर पर सेकंड आएगी. देखो मैग्निफिकेशन का स्क्वायर करोगे तो 4/9 * में उसकी वेलोसिटी रियली में 9 है तो ये वाली वेलोसिटी जो मेरे पास निकल कर आ रही है वो -4 आई आ गई. तो 0.2 के रिगार्डिंग वेलोसिटी -4 आई आ गई. तो इसके लेंथ में इंक्रीमेंट की रेट अपने से पूछी गई है. दिस इज 36 एंड दिस वन इज 4 तो लेंथ में इंक्रीमेंट की जो रेट अपने पास निकल कर आ गई
दैट कम्स एज 32 मीटर पर सेकेंड, और उसको इन्होंने इसको x बोल के x बाई 4 की वैल्यू पूछी गई, तो x बाई 4 जो अपने पास निकल कर आया दैट कम्स एज 8। चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इंटीजर का अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि यहां मेरे पास एक प्रिज्म है और यहां मेरे पास एक सरफेस है, ठीक है साहब, और वो कह रहा है कि लाइट रे इधर से गई, जब वापस से प्रिज्म से निकलेगी ना तो उसमें जो टोटल डेविएशन है वो a इंटू 10 डिग्री का है, तो मुझे a की वैल्यू बतानी है, वो 90 आता है, a की वैल्यू 9 आती है, तो चलिए पहले सोल्व करके निकालते हैं ना। देखिए सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये प्रिज्म की सरफेस है और लाइट रे जो है वो यहां पर लगभग 90 डिग्री पर इंसिडेंट हुई, मतलब 90 पर होगी, तो 1 इंटू साइन 90 दैट इज 1, दैट इज म्यू इंटू साइन थीटा, और म्यू दे रखा है रूट 3 बाई 2, तो 1 इज इक्वल टू 2 बाई रूट 3 इंटू साइन थीटा, तो सब यहां से सोल्व करने पर साइन थीटा रूट 3 बाई 2 आया ना, रूट 3 बाई 2 आया मतलब थीटा मेरा जो आया वो 60 डिग्री आ गया। बोले जी ठीक है, तो प्रिज्म को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं और लाइट रे यहां से 60 डिग्री पर आगे की ओर निकली, ये वाला एंगल 60 है डियर है ना, सॉरी ये वाला 60 है, इसका मतलब ये वाला 30 है, ये वाला 30 है, ये वाला पहले से 30 दे रखा है, इसका मतलब ये वाला कितना होगा 30, टोटल 120। अब लाइट रे 30 पर एंटर हो रही है तो एग्जिट कितने पर मारेगी, जब आप यहां पर एग्जिट वाला एंगल सोल्व करेंगे ना तो एग्जिट वाला एंगल अपने पास आएगा 2 बाई रूट 3 इंटू में साइन 30 दैट इज 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1 इंटू साइन थीटा, मतलब साइन थीटा की वैल्यू जो है इस वाले एंगल थीटा की वैल्यू वो इतनी आ रही है। अब यहां से लाइट रे थीटा पर आई तो थीटा पर ही वापस जाएगी, मतलब इधर भी थीटा पर वापस जाएगी, इधर भी थीटा पर गई तो इधर थीटा पर जाएगी, इधर थीटा पर जाएगी तो ऑब्वियसली वापस से यहां आते टाइम एंगल ये वाला 30 डिग्री होगा। अब मेरी बात को समझना जरा डियर, ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो भाई साहब ये वाला एंगल 60 डिग्री है, इसका मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री है, मतलब लाइट रे यहां से परपेंडिकुलरली निकल जाएगी, मतलब लाइट रे सरफेस के टेंजेंट के फॉर्म में आई थी और सरफेस के नॉर्मल के अलोंग जा रही है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट जीरो हो गया, सरफेस के नॉर्मल के अलोंग जा रही है, सरफेस के टेंजेंट के अलोंग आई थी तो उसमें टोटल डेविएशन कितने का आया 90 डिग्री का। अब उस 90 को a into 10 के फॉर्म में लिखेंगे तो a की वैल्यू कितनी 9 अपने पास। बोलिए ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में ये कहा जा रहा है कि दो सोर्सेज हैं S1 और S2, उनकी इंटेंसिटी जो है वो एक फेज में है, पॉइंट P पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी P1 पर वो 80 यूनिट्स है। तो देखो P1 पर मान लो जैसे इसकी इंटेंसिटी यहां पर इसकी इंटेंसिटी आई और यहां पर इसकी इंटेंसिटी आई है, तो P2 वाले पॉइंट पर इसकी इंटेंसिटी तो आई होगी पर इसकी इंटेंसिटी जो है डिस्टेंस डबल होगी, मतलब इंटेंसिटी 1/4 हो जाएगी, मतलब इस वाले पॉइंट पर जो दोनों वेव्स इंटरफेयर कर रही होंगी ना उनकी इंटेंसिटी आई और आई बाई 4 होगी। बोले जी ठीक है, अच्छा अब ये दोनों जब आई और आई में कर रही है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है भाई, दोनों सेम लेंथ चलकर आ रही है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ और उसकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी 80 है, तो 80 की वैल्यू जो है वो रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर, मतलब 2 रूट आई का होल स्क्वायर है। अब ये 2 रूट आई का होल स्क्वायर है तो मतलब 80 जो है दैट इज 4 आई है अपने पास, मतलब आई की वैल्यू जो है सिंगल इंटेंसिटी जो है वो 20 निकल कर आ गई। अब ये 20 है इसका मतलब ये वाला डाटा 5 है। अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी देखो, ये लैम्डा बाई 2 चला और ये लैम्डा चला तो दोनों में पाथ डिफरेंस कितने का हुआ, लैम्डा बाई 2 का, और लैम्डा बाई 2 किसके करेस्पॉन्डिंग होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के करेस्पॉन्डिंग। तो अब जब रिजल्टेंट इंटेंसिटी 2 पर निकाल रहे होंगे तो दैट वैल्यू विल बी रूट आई 1 माइनस रूट आई 2 का होल स्क्वायर, दैट वैल्यू इज रूट आई माइनस में रूट आई बाई 4 दैट इज रूट आई डिवाइडेड बाई 2 और इसका होल स्क्वायर। अब रूट आई डिवाइडेड बाई 2 की बात कर लो, या तो 5 लिख लो, 20 लिख लो, या फिर इस केस को सीधा ऐसे लिख दिया तो रूट आई का स्क्वायर तो बाहर आ गया ना, और ये वाला डाटा मेरे पास निकल कर आया 1 माइनस 1 बाई 2 दैट इज 1 बाई 2, 1 बाई 2 क्या तो 1 बाई 4 है ना, रूट आई साथ में 1 बाई 4, यहां पर रूट आई का स्क्वायर अपने को लिखना है ना, रूट आई का स्क्वायर आई, आई की वैल्यू 20, तो 20 डिवाइडेड बाई 4 उसको सोल्व किया तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी उस पॉइंट पर जो निकल कर आई P2 पर वो अपने पास 5 निकल कर आ गई। देखिए काम की बात क्या है कि जब लाइट रे यहां वाले पॉइंट पर मीट कर रही है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यहां वाले पर डिस्ट्रक्टिव होगा, फिर उस करेस्पॉन्डिंग लेंथ के अकॉर्डिंग डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी, बोले यहां पर इंटेंसिटी दोनों की वजह से सेम होगी आई, तो यहां पर इंटेंसिटी S2 के कंपैरिजन में S1 डबल चल रहा है
तो इसकी इंटेंसिटी पॉइंट सोर्स के लिए डिस्टेंस के साथ इंटेंसिटी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो इंटेंसिटी आई और आई बाई फोर आ गई, तो आई और आई बाई फोर में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करके रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालेंगे तो 5 SI यूनिट आएगी। बोलो ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो है वो अपने पास 5 आ गया। चलिए जी साहब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि यहां से एक इंसेक्ट है ना, और वो इंसेक्ट जो है वो अपने पास इधर चलता हुआ आ रहा है और उसकी वेलोसिटी जो है वो 4i कैप सेंटीमीटर पर सेकंड है। तो वो कह रहा है कि ये जो मिरर है इस मिरर की लेंथ 2 मीटर है, तो वो इंसेक्ट कितने टाइम तक अपनी इमेज देख सकता है उसके बेसिस पर कुछ बतलाना है। तो मैंने कहा साहब देखो जब वो सबसे पहले अपनी इमेज देखेगा ना वो तब देखा है जब यहां से रे जो है वो इस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रही होगी। यहां से रे परपेंडिकुलर में इंसिडेंट हुई, ये लेंथ 2 मीटर है, ये वाला एंगल 45 है, तो ये डिस्टेंस जो आई वो मेरे पास 2√2 आ गई। अब जब वो यहां से चलकर यहां तक पहुंचेगा ना तब तक वो अपनी इमेज देखेगा, तो उसकी वेलोसिटी जो है वो 4i कैप सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड में 4i कैप डिवाइड बाई 100, दैट इज 1/25। तो टाइम की वैल्यू जो पास आई दैट इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, दैट इज 1/25। तो ये वाली वैल्यू जो मेरे पास निकल कर आ गई वो निकल कर आ गई साहब 50√2 सेकंड। तो यदि मैं यहां से कंपेयर करूंगा तो एन की वैल्यू जो मेरे पास है दैट इज 2। बोलो सेट। बोला जी ठीक। चलिए सर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें अपने, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि कंसिडर ए स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ रेडियस कैपिटल आर, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज कैपिटल एस, कि लिक्विड का सरफेस टेंशन कैपिटल एस है और इस पर सरफेस टेंशन की वजह से जो नेट फोर्स है ना उस नेट फोर्स की वैल्यू अपने पास एस पाई आर बाई 2 के इक्वल है, तो मेरे को ये एंगल थीटा कैलकुलेट करके बतलाना है। बोलो ठीक। बोले जी ठीक है। चलिए सर तो मैंने कहा देखो ऐसा है कि ये जो शेडेड पोर्शन है वो कुछ ऐसा, हम हाफ एंगल की बात कर लेते हैं, तो ये वाला एंगल थीटा बाई 2 है, तो सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा वो इधर लग रहा होगा और वो लग रहा होगा टी इंटू 2πr यदि ये रेडियस आर है। तो बस कंसेप्ट की बात यही कि ये फोर्स इधर लगाना है, इधर मत खींच देना, टी इंटू 2πr। अब देखो डियर ये वाला एंगल थीटा बाई 2, तो ये वाला एंगल भी थीटा बाई 2, मतलब ये वाला एंगल 90 - थीटा बाई 2, इधर जो फोर्स का कंपोनेंट आया वो आ गया टी इंटू में, मैं सरफेस टेंशन को टी से डिनोट कर रहा हूं, तो टी इंटू 2πr इंटू में साइन थीटा बाई 2 अपने पास आ गया, ये तो अपवर्ड फोर्स आया। और जो स्मॉल r है ना उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, सीधा सीधा भाई ये रेडियस कैपिटल r है, तो कैपिटल r साइन थीटा बाई 2, तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स आ रहा है वो टी इंटू में 2π इंटू में कैपिटल r, साथ में कितना आ गया साहब साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ गया, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाला डाटा टी इंटू पाई आर डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल है, सरफेस टेंशन एस कह दो टी कह दो, तो यहां से सोल्व करने पर मेरा पाई आर से तो पाई आर सही हो गया, टेंशन टी से टी सही हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जो है 1/4 आया, तो साइन थीटा बाई 2 जो आया ना वो 1/2 आ गया, इसका मतलब मेरा थीटा बाई 2 जो है ना वो पाई बाई 6 आ गया, मतलब एंगल थीटा जो है ना साहब वो पाई बाई 3 आ गया, मतलब बोले तो 60 डिग्री, और अपने से ये उपबूंद द्वारा गोले के केंद्र पर बनाए गए कोण का मान डिग्री में पूछा था, तो डिग्री में इसकी वैल्यू जो है दैट विल बी 60 डिग्री। बोलो सेट। चलिए जी सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 10 बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ना, मतलब ज्योमेट्री लगती है इसमें। वो बोल रहा है कि एक लाइट रे और एक ग्लास स्पीयर पे इस टाइप से फॉल हो रही है कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन और इमरजेंट रे की डायरेक्शन व्हेन प्रोड्यूस्ड मीट द सर्फेस एट सेम पॉइंट ऑन द सर्फेस द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज, मतलब ये कह रहा है कि ये जैसे एक ग्लास स्पीयर है ना, यहां पर मान लो एक लाइट रे इंसिडेंट हुई, ये इधर गई, फिर ये लाइट रे इधर इमर्ज हुई। वो कह रहा है कि यदि इनको आगे की ओर एक्सटेंड करते हैं ना तो ये किसी सेम पॉइंट पर आकर मीट करती है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू बतानी है। देखो यदि ये आई है तो भाई साहब ये भी आई है, ये आर है तो ये वाला भी डियर आर है। बोलो यस सर। नो बोले हाँ। एक काम करते हैं ना, यदि ये आर है तो ये वाला आई माइनस आर है और ये वाला भी आई माइनस आर है। बोलो हाँ। अच्छा ये वाला एंगल ये आर है ये आर है तो ये वाला एंगल पाई माइनस 2r है, ये वाला i माइनस आर ये वाला i माइनस आर, यहां से मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया ना, एक्सटेंड किया मतलब दूसरे साइड में, ये सेंटर था और मैं सर्कमफेरेंस पे ले जाके मिला दिया, तो ये वाला जो एंगल होगा ये सेंटर वाले एंगल का हाफ होता है, ये पाई बाई 2 माइनस आर आएगा। अच्छा
अब ये पाई बाई टू माइनस आर है, ये आई माइनस आर है, ये आई माइनस आर है, तो ये वाला जो एंगल है ये मेरे पास पाई माइनस टू आई टू आर प्लस टू आई है, सॉरी पाई माइनस में टू आई प्लस में टू आर, क्योंकि भाई उस ट्राइंगल में ये वाला आई माइनस आर, ये वाला आई माइनस आर, तो ये वाला पाई माइनस में टू आई प्लस टू आर, ताकि तीनों का समेशन जो है वो 180 आ जाए। अच्छा अब इसमें देखो ये वाले एंगल और ये वाले एंगल का समेशन जो है वो 180 के इक्वल होगा, मतलब पाई माइनस टू आई प्लस टू आर प्लस में पाई बाई टू माइनस आर, ये वाला अपने पास पाई के इक्वल आएगा, पाई से पाई गया। सोल्व करने पर ये वाला डाटा इधर तो बचा पाई बाई टू, और इधर वाला डाटा ये आर बच रहा है, तो ये वाला डाटा मेरे पास टू आई माइनस में आर आ गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा है तो पाई बाई टू प्लस में आर जो है वो डियर मेरे पास टू आई के इक्वल आ जाएगा। बोले जी ठीक है, फिर इस वाले पॉइंट पर और इस वाले पॉइंट पर स्नेल्स लॉ में लगा दूं तो स्नेल्स लॉ कहता है कि 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू, दैट इज रूट 3 इंटू में साइन आर, साइन आर के प्लेस पर, आर के प्लेस पर आई के टर्म्स में रखना है, तो आर के प्लेस पर पाई बाई टू माइनस में टू आई मैंने पुट कर दिया, और यहां से यदि सोल्व करेंगे तो 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू रूट 3 इंटू में पाई बाई टू माइनस में टू आई दैट इज कोस टू आई, ये वाला डाटा निकल कर आ गया। बोलो सेट। अच्छा देखो आई 60 डिग्री आएगा, यहां से प्रूव करें तो साइन आई रूट 3 बाई टू ऐसे रखा 60 की वैल्यू, ये रूट 3, तो ये वाला डाटा जो है ये मेरे पास 60 का डबल कोस 120, वैसे डाटा पुट करेंगे ना तो आर की वैल्यू माइनस के साइन के साथ और आएगी, मतलब ये कोस 2i में जब रखा जाएगा तो माइनस के साइन के साथ रखा जाएगा, तो ये वाली वैल्यू सोल्व करने पर माइनस 1/2 आएगी, दोनों तरफ सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब आई की वैल्यू 60 डिग्री आ तो रही है। बाकी आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, नॉर्मल सी इक्वेशन है ट्रिग्नोमेट्री की, आई थिंक ये सोल्व कर सकते हैं आप। बोलो ठीक। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर मेरे पास निकल कर आ रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू जो आ रही है दैट इज 60 डिग्री। क्लियर डियर? सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड इन दिस डिस्कशन। गुड बाय।